हेलो हेलोन नमस्कार वेलकम टू लेट क्रैक यूपीएससी हिंदी मैं प्रोफेसर सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सभी का स्वागत करता हूं चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी चर्चा और जो है बड़ी धमाकेदार प्रतिदिन होती है बट आज के टॉपिक कभी कभी होता है ना बहुत अच्छे टॉपिक आ जाते हैं कभी कभी होता है कुछ हल्के टॉपिक रहते हैं तो हल्के टॉपिक में हमें बहुत मैनेज करना पड़ता है लेकिन आज टॉपिक बहुत अच्छे थे तो आज यानी हम लोग जो इनोवेशन करने जा रहे हैं सबसे पहले उस पर यानी जो नई नई बातें आपको सिखाऊंगा पहला आपको सिखाऊंगा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की डेफिनेशन हो सकता है आपको यह शब्द पता हो लेकिन इसकी एक्चुअल डेफिनेशन ना पता हो यह आपको कराने जा रहा हूं लोकल बॉडीज के ऊपर कराने जा रहा हूं यानी स्थानीय निकाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पर एडिटोरियल आया हुआ है और उसी को लेकर के बहुत बढ़िया से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पर बातचीत करेंगे और उसके फाइनेंस वाले पार्ट पर बात करेंगे यानी आपको पता है कि जितनी भी हमारी लोकल बॉडीज हैं चाहे वो आ, पंचायती राज हो या चाहे अर्बन बॉडीज हो म्युनिसपल कारपोरेशन हो फाइनेंस एक बहुत बड़ी समस्या है तो आज हम पंचायती राज संस्थाओं को फाइनेंस की क्या किन किन समस्याओं का सामना यानी वित्त की समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है उस पर बातचीत करेंगे बहुत बढ़िया एडिटोरियल है यह एडिटोरियल लिया गया है कहां से देख सकते हैं यह लिया गया है द हिंदू बिजनेस लाइन अखबार से वाई लोकल बॉडीज आर फाइनेंशियली यानी हमारी जो स्थानीय संस्थाएं वो क्यों भूखी हैं जैसे हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम भारत में भूख कितनी है वो पढ़ते हैं वैसे ही यहां पर आप पढ़ने जा रहे हैं यानी जो हमारी पंचायती राज संस्थाएं हैं तो हमारी पंचायती राज संस्थाओं की भूख है यानी धन की भूख क्योंकि धन से ही विकास होगा याद रखेगा जनरल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कैपिटल है आप तभी विकास करेंगे यह फैक्ट है तो ऐसे में वही कैपिटल इनके पास नहीं हम इस विषय पर चर्चा करेंगे उसी को मैंने यहां पर IQIP किया है 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 इसके साथ दूसरा एडिटोरियल जो है, वो भी यहीं से लिया गया यानी द हिंदू बिजनेस लाइन से ट्रस्ट इज की टू मोर इफेक्टिव डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा पर एक छोटा सा एडिटोरियल दिया गया था और यह क्यों महत्वपूर्ण है तो इस एडिटोरियल में ने कॉम की रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है द हिंदू बिजनेस लाइन के कि आने वाले समय में 2030-35 तक जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा तो इसके बारे में बातचीत की गई थी छोटा डिटोरियल था मैंने इसमें अपनी तरफ से आईक्यूआईपी कर दिया ए को जरा ध्यान रखिएगा मैंने यहां पर आपके लिए आईक्यू आई पी कर दिया नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गजब नीति आयोग याद रखिएगा नीति आयोग की दो में रिपोर्ट यह आई थी स्ट्रेटजी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आप सोचिए मैंने उस एडिटोरियल के साथ यह इतनी बड़ी रिपोर्ट और इसके बेसिक बिंदु आपको बहुत अच्छे से यानी आज ही करा दी यानी आज आप नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय नीति आयोग पढ़ने जा रहे हैं यह मेरी तरफ से इनोवेशन है इस एडिटोरियल में मेरी तरफ से यानी जो कंटेंट है वो डाला गया है इसके साथ जो अगला टॉपिक है द इंडियन एक्सप्रेस पर कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यानी एक याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी धर्मांतरण के मुद्दे पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई धर्मांतरण जो है धन के लालच में या अनैतिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए सिंपल सी बात है हालांकि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है भारतीय संविधान के अनुसार यह उनका मूल अधिकार है लेकिन हमें उन्हें किसी प्रकार के लालच में दान के सहारे धर्मांतरित तो नहीं करना चाहिए इस विषय पर आपको एक न्यूज बताई थी और उसी पर एडिटोरियल आ गया है सुप्रीम कोर्ट ऑन चैरिटी एंड कन्वर्जन यानी सुप्रीम कोर्ट दान और धर्मांतरण पर जो बात कह चुका है वह हम पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं करना चाहिए चैरिटी के द्वारा धर्मांतरण नहीं करना चाहिए इससे सोसाइटी में कम्युनल यानी सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो टूटता है और सांप्रदायिकता का विचार फैलता है तो उसी पर है इन द वर्ड ऑफ महात्मा गांधी यानी जो महात्मा गांधी के शब्द हैं उन्हीं शब्दों में यह धर्मांतरण का विषय सॉल्व किया जा सकता है यानी महात्मा गांधी धर्मांतरण को लेकर के किस प्रकार का विचार रखते थे क्या वह विचार आज प्रासंगिक है तो इसका मतलब है इसको इंटरलिंक कर दिया गया है महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता देख सकते हैं गांधी जी ऑन रिलीजियस कन्वर्जन यानी गांधी जी धार्मिक धार्मिक जो क्या होता है धर्मांतरण होता है उसके ऊपर अपने विचार रखते थे और उन्हीं विचार को मैंने लगा दिया है यानी सिग्निफिकेंस ऑफ महात्मा गांधी इन प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता आप देख सकते हैं अगर आप महात्मा गांधी की प्रासंगिकता लिखने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का यह कोटेशन कोट करी यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसके बाद गांधी जी ने धर्मांतरण पर क्या कहा है और एक्चुअल में उन्होंने जो धर्मांतरण पर विचार दिए हैं वही सबसे अच्छे विचार है तो आप गांधी की प्रासंगिकता को आज भी दिखा सकते हैं तो बहुत बढ़िया इंटरलिंक किया गया ये इनोवेशन है और इसके बाद चौथा टॉपिक आपका है द रोल ऑफ चाइना टेस्ट इन इंडिया स्ट्रेटजी ये चाइना टेस्ट की बात हो रही बच्चे जैसे आप लोगों ने एक शब्द यानी भारत और चीन के संबंधों को लेकर के यहां पर बातचीत है लेकिन एक शब्द इन्होंने दिया चाइना टेस्ट जैसे लिटमस टेस्ट किया जाता था कि कौन अम्लीय है कौन छारिय है कौन एसिडिक है कौन ठीक है तो वैसे ही ये कहा गया है कि भाई चाइना टेस्ट करना चाहिए हिंदुस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाते समय एक चाइना टेस्ट करना चाहिए। तो हम पढ़ने जा रहे हैं चाइना टेस्ट अब आप कहेंगे, सर ये चाइना टेस्ट एग्जाम में अगर तो तो आ जाते हैं तो आपको लिखने में बड़ी सहूलियत पैदा करते हैं आपकी बड़ी मदद करते हैं ये ध्यान रखिएगा तो क्या है चाइना टेस्ट मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा क्या है चाइना टेस्ट तो क्या है चाइना टेस्ट क्या है उसकी इंपॉर्टेंस इस पर भी हम संक्षेप में चर्चा करेंगे तो ये एडिटोरियल हो गए उसके साथ ये पांच न्यूज जिन पर हम चर्चा करेंगे अब हम आते हैं यानी अपने सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट में यहां पर जो भी नए एस्पिरेंट होंगे ये यह ध्यान देंगे कि यहां पर यानी उन बच्चों का नाम लिया जाता है जो बच्चे लगातार अच्छी आंसर राइटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अच्छा कर भी रहे हैं तो यानी जो भी क्वेश्चन मैं देता हूं उसकी आईकी तो वाईपी में देख सकते हैं अनाया गुप्ता ने माइक्रो फाइनेंस पर लिखा है रियल टॉक ठीक है ना और अब इसके बाद आते हैं दीप्ति यादव माइक्रो फाइनेंस पर इन्होंने लिखा है पूजा देवगम माइक्रो फाइनेंस पर इसके साथ साथ पंकज चौधरी ये श्री गंगानगर से हैं माइक्रो फाइनेंस पर गजाला अली माइक्रो फाइनेंस पर आरती गुप्ता माइक्रो फाइनेंस पर दीप्ति यादव माइक्रो फाइनेंस पर रंजना कुमारी माइक्रो फाइनेंस पर बहुत बढ़िया कोशिश सभी की मोहम्मद नूर आलम इन्होंने भी माइक्रो फाइनेंस पर देखो इतने बच्चों ने माइक्रो फाइनेंस पर लिखा है इसका मतलब है कि जो लोग इसको पढ़े भी होंगे उनको भी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया होगा अंकिता सिंह इन्होंने भी माइक्रो फाइनेंस पर लिखा है निकेत प्रजापति फ्रॉम मोरना एम इन्होंने भी माइक्रो फाइनेंस से लिखा खुशबू पटेल इन्होंने भी माइक्रो फाइनेंस पर लिखा है सावित्री देवरिया इन्होंने भी जो है किस पर लिखा है माइक्रो फाइनेंस पर लिखा है इसके साथ साथ वीरेंद्र कुमार ने मनरेगा पर लिखा है इसके अलावा नगमा हुडा ने ये बिहार पटना से माइक्रो फाइनेंसिंग पर लिखती हैं कुमारी पूनम माइक्रो फाइनेंस पर लिखती हैं कुसुम जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स पर लिखती हैं कुसुम धालौर और अंकित कुमार ये भी माइक्रो फाइनेंस पर लिखते हैं इसके साथ साथ शीनू पटनवार ये भी माइक्रो फाइनेंस पर लिखते हैं निकिता राठौर माइक्रो फाइनेंस पर इसके अलावा परी तिवारी माइक्रो फाइनेंस पर गाजीपुर उत्तर प्रदेश से इन्होंने लिखा ये है तो बहुत अच्छी बात है और इसी तरीके से लिखते रहिए जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं इनसे आप इंस्पिरेशन लेते रहिए कि आप मैसेज टाइप तो करते हैं कई बच्चे अपने तर्क दे रहे हैं कि सर यहां पर आंसर लिखने में तकलीफ होती है आपको मैसेज करने में तकलीफ नहीं होती है चैट करने में तकलीफ नहीं होती है लेकिन अपनी लाइफ को जो बदल दे उसको करने में तकलीफ होती तो अच्छी बात है आपको तकलीफ मुबारक जो बच्चे लिख रहे हैं उनको उनकी मेहनत मुबारक तो आप लोग लिखते रहिएगा डीप कॉन्सेप्टॉक आगे बढ़ते हैं यहां पर और डीप कॉन्सेप्ट ऑफ मैंने कल एक रिजल्ट की बात की थी ध्यान रखिएगा यानी परसों आपको एक लड़की को यहाँ मैं ले कर के आया था और उनके रिजल्ट की बात आप लोगों से की थी और रिजल्ट की बात में क्या किया था कि वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली की लड़की हैं यानी एक अपना एटीट्यूड होना चाहिए ऊपर से एम डॉक्टर हैं एटीट्यूड और होना चाहिए लेकिन जीरो था एटीट्यूड केवल और केवल लर्निंग थी और पहली बार ऑप्शनल इतना कड़क रखा यानी एग्रीकल्चर जिसका एम से कोई नाता नहीं लेकिन केवल और केवल अच्छी स्ट्रेटजी और ट्वेंटी फोर इंटू सेवन काम करने जो कहा जा रहा है वही करना है रिजल्ट क्या हुआ आपके सामने तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप जो मैं कह रहा हूं आंसर लिखने को अगर आप नहीं लिखते हैं तो अच्छी बात है आप ना लिखें लेकिन कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको तकलीफों का सामना करना पड़ेगा कम से कम जो मेरे अः मुझे पता है कि बीस पच्चीस कोर यानी कुछ तो मान लीजिए ऐसे ही आते जाते रहते लेकिन 20 से पच्चीस हजार मेरे पास कोर बच्चे हैं कोर और वो भी जो रीजनल और हिंदी मीडियम के ही मैक्सिमम है इंग्लिश मीडियम के कम है उसके पीछे रीजन है मैं मैक्सिमम मैं हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ तो आप सोचिए जो ये बीस पच्चीस कोर बच्चे हैं और आंसर बीस पच्चीस भी नहीं लिखे जा रहे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ तो कमियां हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इन कमियों पर काम करेंगे ठीक है डीप कॉन्सेप्ट टॉक में जाने से पहले आज यानी आपको अपने साथ जोड़े रखने का है कि ये उपाय है कि मुझे बड़ा मजा आता है आप लोगों के साथ काम करके आज मैं मेवाड़ लॉ इंस्टीट्यूट में गया था आपको बताना इसलिए हमें के लॉ इंस्टीट्यूट है वो मेवाड़ लॉ इंस्टीट्यूट ठीक है और वहां पर मैंने लॉ के बच्चों को इकोनॉमिक्स का लेक्चर लिया जिसका टा, टाइटल था ठीक है ना टॉपिक था जनरल इकोनॉमिक्स याद रखिएगा जनरल इकोनॉमिक्स का लेक्चर था और आप देखोगे मतलब जनरल इकोनॉमिक्स के लेक्चर में लॉ के बच्चे एकदम सेटिस्फाई थे हंड्रेड परसेंट तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं आई क्यू के थ्रू वो आपके लिए समझिए एकदम ब्रह्म बाण है अगर आप उसको कभी भी यूज करेंगे उसका मैक्सिमम आउटकम आपको मिलेगा ये ध्यान रखिएगा और मैंने वही स्टार्ट किया है कि यूनिवर्सिटीज़ में घूम घूम करके जहां से भी ऑफर आ रहे हैं वहां पर जाकर और इस प्रकार के मैं अपने लेक्चर कर रहा हूं क्योंकि बच्चों को पसंद आ रहा है तभी एक यूनिवर्सिटी से अगली अगली से अगली ये मुझे ऑफर मिलते चले जा रहे हैं तो मेरा अपना मानना है है कि जो आप लोगों से से प्लीज करा रहा हूं इसको अच्छे करिए इसी में रिजल्ट ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं डीप कॉन्सेप्ट टॉक में आज हम लोग पढ़ेंगे यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कृत्रिम बुद्धि क्या होती है यानी जैसे मानव है जानवर है ऑब्बियस जानवर के पास मानव से कम बुद्धि होती है लेकिन दोनों की बुद्धि होती है यानी मानव के पास भी है अपनी बुद्धि जानवर के पास भी अपनी बुद्धि तो मानव और जानवर की जो बुद्धि होती है जो नेचुरल होती है प्राकृतिक रूप से डेवलप होती है बाद में हम व्यवहारों से उससे और बड़ा करते हैं प्रैक्टिस से और बड़ा करते हैं किसको बुद्धि को उसी प्रकार की अगर बुद्धि किसी मशीन में आ जाए यानी मानव के जैसी या जानवर के जैसी बुद्धि अगर मशीन में आ जाए तो उसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धि ध्यान रखेगा कृत्रिम बुद्धि आज का समय कृत्रिम बुद्धि का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब आप गूगल ओपन करते हैं तो गूगल पे स्पीकर अब तो आप टाइप भी नहीं करना चाहते होंगे आप गए किस पे गूगल पे आपने उसका जो स्पीकर है उस पर ऐसे पुश किया उसके बाद बोल दिया सुनील अभिव्यक्ति द हिंदू ट्वेंटी सेकेंड नवंबर तो सुनील अभिव्यक्ति का 22 नवंबर का हिंदू आपके सामने आ जाता होगा ऐसे ही आप सर्च करते ये क्या है ये क्या है यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जंस की सुविधा है जिसका आप प्रत्येक दिन इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप अब जो टाइपिंग करते हैं मैसेज में अब वॉइस से टाइपिंग आ गई तो आपने आवाज बोली और टाइप होता चला गया ये क्या है यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ध्यान रखिएगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रूप है जिसे हम स्पीच रूप कह सकते हैं यानी वाक रूप कह सकते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है जो यहां पर लिखा हुआ और वर्तमान में इसी का दौर है और वर्तमान में इसका दौर है मेरे प्यारे बच्चों और 2018 में यूपीएससी ने धपा के क्वेश्चन आपसे पूछा तो सॉरी 2019 में आज बहुत आपको कई चीजें सीखने को मिलेंगी 2019 में इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आगे एडिटोरियल में लगा हुआ है क्वेश्चन कि कृत्रिम बुद्धि से यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रही है इससे रोजगार मिलेगा या बेरोजगारी आएगी यह यूपीएससी ने आपसे ऐसे पूछा है दो में और आपको वन थाउजेंड या ट्वेल्व हंड्रेड वर्ड में लिखना है एक हजार से बारह शब्द में लिखना इससे कम लिखेंगे तो भी नंबर कटेगा इससे ज्यादा लिखेंगे तो भी आपका नंबर कटेगा यानी एक हजार से बारह शब्द अब एक हजार से बारह शब्द के लिए सोचिए आपको आपके पास कितना कंटेंट होना चाहिए और आर्टिफिशियल इंटेलि पर आप कितना भी पढ़िए ध्यान से समझिए आप उसको कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन अगर जो यूपीएससी ऐसे पूछ रहा है उसमें हंड्रेड परसेंट आपका पढ़ा हुआ आ जाएगा यह संभव नहीं हम प्रतिदिन जो पढ़ रहे हैं उसमें से जो खास खास बिंदु निकाल रहे हैं वही हमारे एग्जाम में हमारे लिए महत्वपूर्ण तो साबित होगा तो आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पढ़ने जा रहे हैं तो जब दो में यह प्रश्न पूछा कि इससे रोजगारी मतलब इससे रोजगार बढ़ेगा या बेरोजगारी बढ़ेगी आपको इस विषय पर लिखना है तो आपको आज जो कंटेंट हम पढ़ाने जा रहे हैं नेस्कॉम की रिपोर्ट पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको मजा आएगा वहां से काफी कुछ कंटेंट इस प्रकार के इससे में निकल करके आएगा ध्यान रखेगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने सीख लिया इंपॉर्टेंस क्यों है मैंने कहा मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंस है और प्री के लिए तो ऑब्वियस है इंपॉर्टेंट है ही यही है ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो क्या है आपको इसकी डेफिनेशन पता लग गई अब इसके अंदर आता है इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो मैंने आपको अभी बताया स्पीच रिकॉग्निशन यानी क्या है वाक पहचान इसे हम कहते हैं यानी आपकी आवाज को पहचान करके फिर उत्तर करना जैसे अलेक्शा मुझे किशोर कुमार के गाने सुनाओ वो किशोर कुमार के गाने सुनाने लगती ऐसे ही आप जब भी कुछ भी सर्च करते हैं तो वॉइस रिकॉग्निशन यानी आप बोलते हैं और वो चीज आपके सामने आती है ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों इसके अलावा कंप्यूटर विजन कंप्यूटर से संबंधित जो भी काम आप करते हैं उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके अलावा जो प्राकृतिक भाषाएं होती हैं नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं जैसे हिंदी मराठी गुजराती इस प्रकार की जो भाषाएं इनके बीच में जो ट्रांसलेशन किया जाता है यानी हिंदी का ट्रांसलेशन मराठी में मराठी का तो उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है याद रखेगा इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इसका, इसका इस्तेमाल किया जाता था ये सब इसके एग्जाम्पल हैं जो आपको जानने हैं आगे हम और अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे अब ये क्यों महत्वपूर्ण है ध्यान रखेगा इसलिए महत्वपूर्ण है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें जब जीडीपी की बात करेंगे कि जीडीपी में इसका योगदान बढ़ने वाला है तो 2019 के निबंध को हम हैंडल करेंगे कि यस जीडीपी में योगदान बढ़ेगा तो अगर हम अच्छा स्किल डेवलप करा दें तो क्या होगा अगर हम अच्छा स्किल इंडियन यूथ को डेवलप कराएं अच्छा स्किल उनको दें तो ऑब्वियस है रोजगार मिलेगा ना कि रोजगार छूटेगा कैसे क्या वो हम आगे पढ़ेंगे अब आता है यहां पर एक शब्द लिखा होगा और आपको आज मैं एक आईक्यूआईपी के घने संसार में यहां से ले चलूंगा यानी आप सोचिए कि हर एक पंक्ति में इंटरलिंकिंग क्वालिटी छुपी हुई अगर आप में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं अब मैं पहले एक ऐसे लिखता हूं और फिर इस लाइन को पढ़ता हूं आप सोचिए और इस बीच कभी ऐसा कोई टॉपिक आया नहीं इसलिए काफी समय से वो ऐसे मेरे दिमाग से आउट था अभी अभी एक एक कि स्पार्क किया मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आया था आप अगर चेक करेंगे और अभी हाल फिलहाल में एक बार आप चेक करेंगे तो आया था विज्ञान एवं रहस्यवाद विज्ञान यौम रहस्यवाद फिर परस्पर संगत परस्पर संगत या असंगत मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा परस्पर संगत या असंगत विज्ञान एवं रहस्यवाद यानी क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या एक दूसरे से इनकी राहें बिल्कुल जुदा है यह आपसे प्रश्न पूछा गया तो जो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पहली ये, ये जो लाइन पढ़ने जा रहा हूं इसमें सीधा सीधा वो निबंध जाके चिपकेगा क्या जरा ध्यान से देखिए तब आप छोटी छोटी चीजों को क्योंकि हम आपको भी नहीं पता कि 2023 में जब आप मेंस लिखेंगे या 24 में 25 में जब भी आप लिखेंगे हमें नहीं पता है किस प्रकार के आपके सामने ऐसे आने वाले हैं जैसा अभी ट्रेंड चल रहा है या जैसा 2019 तक ट्रेंड था ध्यान रखिएगा 2019 तक फिलोसफिकल ऐसे रखेगा दो हजार उन्नीस तक भी होते थे 2020, 21, बाईस में लगातार यानी एक आध क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सब फिलोसफिकल ही होने लगे ठीक है तो आइए देखते हैं द ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अवधारणा है कृत्रिम बुद्धि की जो अवधारणा है कैन बी ट्रेस बैक टू ग्रीक माइथोलॉजी हम ग्रीक माइथोलॉजी में माइथोलॉजी हमारे यहां पुराण है वैसे ही वहां पर ग्रीक माइथोलॉजी की बात की जा रही है कि ग्रीक माइथोलॉजी में हम कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा को देख सकते तो जब भी हम याद रखिएगा हमेशा जब भी हम किसी को मिथ में देखते हैं तो उसी को हम रहस्य कहते हैं हमेशा याद रखिएगा क्या है रहस्यवाद तो विज्ञान एवं रहस्यवाद परस्पर संगत है या असंगत तो ऑब्वियस है आपको कुछ पॉइंट परस्पर संगत के दिखाने पड़ेंगे और कुछ पॉइंट असंगत के ठीक है ना तो अब संगत के पॉइंट कैसे होंगे यानी ये सिमिलर कैसे हैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ऐसा आपको मैं बताने जा रहा हूं कैसे अब आप लिखिए कि यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि का अतीत देखें पास्ट देखें तो उसका अतीत ग्रीक माइथोलॉजी से जुड़ता है यानी ग्रीक माइथोलॉजी में इस प्रकार की बुद्धि की संकल्पना की गई तो ये क्या हो गया ये रहस्यवाद हो गया पुराणों में जो कहा गया वो सब क्या है एक प्रकार का रहस्य तो इसका मतलब पहले हम कोई कल्पना करते हैं जो एक प्रकार का रहस्य होता है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ग्रीक माइथोलॉजी में किया गया परंतु आज यानी सेंचुरी में यह ग्रीक माइथोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट था आज हमारे सामने प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक रूप ले चुका है और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस सिस्टम के विभिन्न क्षेत्रों में इस व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग कर रहे हैं तो जब हम कहेंगे उपयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो परस्पर संगत है यानी पहले कोई भी वैज्ञानिक जो परिघटना होती है पहले उसे सोचा जाता है पहले सोचा गया होगा ब्लैक होल क्या है पहले सोचा गया होगा ब्लैक होल क्या है यानी किसी ने सोचा होगा तो ब्लैक होल एक सा रहा होगा लेकिन धीरे धीरे जब जब साइंटिफिक इन्वेंशन वैज्ञानिक अनुसंधान होते गए तो हमें ब्लैक होल के बारे में बहुत सी बातें पता चलती चली गई तो इसीलिए यानी रहस्यवाद और विज्ञान परस्पर संगत भी हैं इस इन स्तरों पर आप बता सकते हैं परंतु वह असंगत भी है उसके पीछे रीजन है कि विज्ञान तार्किक रूप से विश्वास करता है आंखों देखी जो देखा गया लेकिन रहस्य क्या है कल्पना लोक का सृजन करता है यानी सबसे पहले चीजें कल्पना में आती हम ऐसी चीज की कल्पना करते हैं जिसको हमने देखा ना हो आई होप आप समझ गए होंगे रहस्य का मतलब यही जैसे हिंदी साहित्य के बच्चे होंगे तो रहस्यवाद क्या है रहस्यवाद क्या है यानी कबीर का रहस्यवाद क्या है एक ऐसे ईश्वर की तरफ देखना जिसका कोई साकार यानी कोई शरीर ना हो सिंपल सी बात है तो इस प्रकार से चीजों को आपको इंटरलिंक करना सीखना होगा तब जाकर के मजा आएगा तो हमने ग्रीक माइथोलॉजी में इसके कॉन्सेप्ट देखे ओरिजिन के और उसके बाद आज यानी मॉडर्न हिस्ट्री में यानी आज जब हम आते हैं वर्तमान ट्वेंटी सेंचुरी में तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में स्टोर्ड प्रोग्राम के रूप में देखते हैं यानी संग्रहित कार्यक्रम के रूप में आज हमारे कंप्यूटर में इस पद्धति का व्यापक इस्तेमाल होता है तो यह हो गया रहस्यवाद और यह हो गया क्या व्यवहारिक रूप तो रहस्यवाद यानी विज्ञान तो रहस्यवाद और विज्ञान परस्पर संगत है इस उदाहरण से यह चीज प्रमाणित हो जाती है याद रखेगा अब इसके बाद आता है एकेडमिक डिसिप्लिन यानी विश्वविद्यालयों में इस पर कब शिक्षा वगैरह दी जाने लगी तो उन्नीस में यानी आप देख सकते उन्नीस सौ बीसवीं शताब्दी के मिड में यह एकेडमिक डिसिप्लिन में आया इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है और इसके बाद जरा देखिएगा आप सबको भी सीखना है बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के आप लोगों को भी सीखना है कि यानी एकेडमिक्स में आया और उसके बाद लिखा हुआ है कि आफ्टर अ लॉट ऑफ फेल्योर्स एंड फंडिंग्स यानी धन भी खूब दिया गया इस क्षेत्र को और उसके साथ साथ ये जो भी प्रयोग हुए काफी फेल भी हुए यानी काफी धन लगा और काफी फेलियर आई लेकिन आज आप ट्वेंटी सेंचुरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंजॉय कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप धन असफलता दोनों एक अटम दो अटम तीन अटम लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना एक दिन आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह चमकेंगे और आपके नाम से वह समय जाना जाएगा जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है वो समय कौन सा समय मेरे प्यारे बच्चों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से सेंचुरी इंटेलिजेंसेंटी आप सिलेक्ट होंगे तो आपके नाम से समय जाना जाएगा तो ये हो गया आई होप समझ सम अब इसके आप बाद आता है इसके कौन कौन से एप्लीकेशन बहुत से एप्लीकेशन तो कुछ हमने पढ़ी लिया यानी जब हम शॉपिंग करते हैं अमेजोन वगैरह पर भी तब भी इसका इस्तेमाल होता है इसके अलावा जो भी हम सहायता यानी कि अगर हम अपना एसी चलाना चाहते तो ऐसे यानी मोबाइल फोन से ही हम कनेक्ट होकर के बोल दें ए ऑन हो जाता है इस प्रकार से इसके अलावा हम फ्रॉड को रोक सकते हैं हमारे साथ इसके अलावा जैसे मैं एजुकेटर हूं मैं शिक्षक हूं तो मैं इसका इस्तेमाल तकनीक के इस्तेमाल अनेकों अनेको प्रकार से आपके सामने कर रहा हूं ठीक है स्मार्ट कंटेंट बनाने में वॉइस असिस्टेंट में इसके अलावा पर्सनलाइज लर्निंग में ऑटो जो भी बाइकल होती हैं उनमें ठीक है ना जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स होते हैं वो सब इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही चलते यार बताने की हैं दो क्वेश्चन और दूसरा विज्ञान एवं रहस्यवाद परस्पर संगत है या असंगत प्रश्न पूछा था क्या परस्पर संगत है ये नहीं पूछा था असंगत है क्या परस्पर संगत है तो मैंने अपनी तरफ उसमें परस्पर लगा दिया अब थोड़ा सा विज्ञापन इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्मी इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और लक्ष्य बैच पूर्णतया हिंदी माध्यम में बच्चों लॉन्च हुआ है और 15 दिसंबर से ये क्लास है तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं इस बैच में आप कनेक्ट हो जाइए जैसे प्लस जीएस प्लस कॉम्बो जबरदस्त ऑफर चल रहा है आइकोनिक जीएस आइकोनिक कॉम्बो तो कॉम्बो ऑफर ही लीजिएगा जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं ऑप्शनल के साथ जीएस तो जबरदस्त छूट है सोलह दिसंबर तक ये छूट रहेगी ध्यान रखिएगा एसके लाइव कोड यानी आपको ये और कॉल आपको इस नंबर पर करनी है एट फाइव एट फाइव एट फाइव एट फाइव एट फाइव इस नंबर पर आप कॉल करके जो जो उनको इंफॉर्मेशन देंगे वो आपको एडमिशन कर देंगे और बहुत ज्यादा छूट मिल गई है यानी अन अकेडमी ने पहले ही फीस बहुत कम कर दी है यानी सड़सठ हजार फीस थी अगर हम जीएस का या मैं कॉम्बो का बात करूं इक्यासी प्लस कॉम्बो की फीस थी जो घटके पचपन हजार हुई है छब्बीस रुपए कम किया गया इसमें अगर आप कोड यूज करेंगे तो टेन परसेंट आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा एक चीज हो गया दूसरा कॉम्बो ऑफर अगर आप लेते हैं तो एक लाख पांच हजार सेविंग है पैंतीस हजार रुपए की और प्लस इस सत्तर हजार में भी टेन परसेंट का डिस्काउंट कोड यूज करने पर मिले तो ये आप एडमिशन ले सकते हैं और यूपीएससी की जर्नी अपनी आगे बढ़ा सकते हैं जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं हिंदी माध्यम से कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी तो यहां पर आप आ मतलब इस समय जैसे फीस बहुत कम है हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि सर तो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या दो पढ़ा रहे हैं तो पहली बात तो इस पूरे बैच में इथिक्स और ऐसे में ही पढ़ा रहा हूँ दूसरी बात है जब आप कोर्स में एडमिशन ले लेंगे याद रखेंगे जब आप कोर्स में एडमिशन ले लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ठीक है लगभग सारे विषय मैंने प्लस पे पढ़ा दिए हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं सारा विषय इथिक्स एवरीथिंग आपको पढ़ने को मिलेगा यही यहीडमिक सबसे बड़ी खूबी है कि एक सब्सक्रिप्शन लेके आप कोई भी कोर्स देख सकते हैं यहां कंफ्यूज मत होएगा जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो इस कोर्स में एनरोल कर लेंगे इसको भी करते चलेंगे और उसके साथ साथ यानी आप और भी जो पार्टिकुलर मुझे से पढ़ना चाहते हैं बहुत सी चीजें वो भी आपको वहां अवेलेबल है तो यहाँ पर आप एडमिशन ले लीजिएगा मिलते हैं बच्चों और भी बैच चल रहे हैं आप उनका हिस्सा बने पहला टॉपिक वाई लोकल बॉडीज आर फाइनेंशियली स्टार्ब क्या है वाई लोकल बॉडी यानी स्थानीय निकाय वित्तीय रूप से भूखे क्यों हैं ये ध्यान स्थानीय निकाय वित्तीय रूप से भूखे क्यों हैं यानी भूख जैसे हमें भूख लगती वैसे हमारे लोकल बॉडीज को भी भूख लगी हुई बट उनकी भूख शांत नहीं हो रही इसका मतलब है लोकल बॉडी यानी यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायत सिस्टम सेवेंटी अमेंडमेंट के द्वारा जो भारतीय संविधान में शामिल की गई तो लोकल बॉडीज में यानी शहरी निकाय भी होते हैं अर्बन बॉडीज भी होती है लेकिन एडिटोरियल में उनका यानी विस्तार से चर्चा नहीं है केवल और केवल यानी जो पंचायती राज पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं उन्हीं पर चर्चा तो पंचायती राज संस्थाओं के सामने आज एक बहुत बड़ी समस्या फाइनेंस की मेरे प्यारे बच्चों इतना बढ़िया एडिटोरियल लिखा गया मतलब आप इसको पढ़ने के बाद आप एम लक्ष्मीकांत आपकी फेवरेट किताब एक बार आप उसको पढ़िए नंबर वन दूसरा आपकी कोचिंग वगैरह में जो भी नोट्स मिले उसको पढ़िए और इस ये जो इन्होंने लिखा है ना कभी कभी ना बहुत गजब का हमें ऐसे एडिटोरियल्स क्यों पढ़ने चाहिए तो फाइनेंस पर हम बातचीत कर रहे हैं यानी वित्तीय संकट पर बातचीत करने जा रहे हैं अब आपके मन में आएगा कि सर हम तो ना करेंगे बातचीत हमें पता है आपको पता है लेकिन देखो आपको आपके एटीट्यूड को कैसे मैं चेंज करता हूं अभी मेरे प्यारे बच्चों जरा याद करिए जो जो लोग 2023 में मेंस लिखने जा रहे हैं ये उनके लिए याद जो 2024 में लिखेंगे उनके लिए जरा याद रखिए क्या याद रखना सेवनटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट कब आया था जरा याद करिए सेवनटी थर्ड और सेवनटी फोर्थ अमेंडमेंट कब आया था तो आप कहेंगे कि सर ये उन्नीस में संविधान संशोधन सेवनटी और फोर्थ आया था और 93 24th अप्रैल को लागू हुआ था यानी ऐसा ही तो आप बताएंगे ना 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 2023 में पंचायती राज सिस्टम को लागू हुए लागू हुए 30 वर्ष होने जा रहे हैं 24 अप्रैल को 30 वर्ष हो जाएगा और आपका प्रीलिम्स 24 अप्रैल के बाद ही है और आपका मेंस भी 24 अप्रैल के बाद यानी 3 दशक होने जा रहे और मैंने पहले ही बताया कि जब किसी भी चीज को पांच वर्ष हो जाए दस वर्ष हो जाए बीस वर्ष हो जाए ठीक है पच्चीस वर्ष हो जाए और तीस वर्ष अगर दस 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 यानी डिकेड में है तब तो उसके आने के चांस ज्यादा हो जाएगा तो दस साल हो चुका है अब आपसे यहां पर यूपीएससी उम्मीद करेगा कि आप तैयार रहेंगे और खुदा न खासा तेईस में छूट गया वैसे छूटना तो कदापि नहीं चाहिए चूंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर लीजिए आरटीआई को जब दस साल हुआ तब भी क्वेश्चन पूछा गया ठीक है ऐसे आप देखोगे पंचायती राज के बारे में भी जब द, द, दस साल हुआ तब भी क्वेश्चन पूछा गया तो मेरा कहने का मतलब है तीस साल हुए हैं क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाए ठीक है तो इसलिए आप अलर्ट रहिएगा अब आपको आएगा मजा कि पढ़ने में नहीं भाई अब पढ़ना ही पढ़ना और पीटी के लिए इस साल जो तेईस में अटेम करने जा रहे हैं आप भी पढ़ लीजिएगा ध्यान से तो स्थानीय निकाय वित्तीय रूप से भूखे क्यों है क्यों 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 शब्द पकड़े गए क्यों आप अपने नोट्स में लिख लीजिए क्यों क्योंकि तो पूरा फोकस क्यों पर रहेगा अगर क्यों आपको समझ में आ गया तो फिर फ्यूचर में कोई भी प्रश्न आएगा तो आप टैकल कर ले जाएंगे अब फ्यूचर के प्रश्न की बात करें तो फ्यूचर के प्रश्न किस प्रकार के आएंगे वो पास्ट के प्रश्नों से पता चलता है तो पास्ट के प्रश्न जीएसटू पॉलिटी अगर हम यहां पर देखें यानी क्या पॉलिटी यानी राज व्यवस्था अगर हम यहां से देखें मेरे प्यारे बच्चों तो क्या लिखा हुआ स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का ये देखिए वित्त वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां यानी देख सकते हैं स्थानीय स्तर पर फाइनेंस का मुद्दा यानी स्थानीय मतलब लोकल गवर्नमेंट यानी जो हमारी पंचायती राज सिस्टम है इसके अलावा जो हमारी अर्बन बॉडी है यानी इनके बारे में है या म्युनिसपालिटीज के बारे में तो उनको उनसे संबंधित वित्त का मुद्दा तो आप देख सकते हैं सेवेंटी थर्ड और फोर्थ अमेंडमेंट के द्वारा हमने जिन संस्थाओं को बनाया है और उन संस्थाओं को बनाने के बाद हमने एक शब्द दिया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की तरफ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है तो जब हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को आदर्श के रूप में लेते हैं तो प्रैक्टिकलिटी में किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है उनके पास पैसे क्यों नहीं है हम यही विषय पढ़ने जा रहे हैं और आपके सिलेबस का सीधा सीधा हिस्सा है देख सकते हैं आप ठीक है ना पावर एंड फाइनेंस लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयर इन तो आपके सिलेबस का सीधा सीधा पार्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखेगा तो ये हो गया क्लियर है एक अब इसके बाद आइए देखें प्रीवियस के क्वेश्चन कैसे सीधे सीधे कनेक्ट हो रहे हैं 2015 का क्वेश्चन देखिए यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पंचायती राज सिस्टम तो वैसे ही फेवरेट है यूपीएससी 2015 में आया 16 में नहीं आया फिर सत्रह में आया फिर 18 में आया फिर 19 में आया फिर बीस में आया नहीं लगातार 21 22 नहीं आया है आगे पूछा जाएगा ध्यान रखिएगा तो 2015 में क्वेश्चन पूछा यानी देख सकते हैं पंचायतें और समितियों पर कि जो स्थानीय स्तर की शासन व्यवस्था यानी लोकल गवर्नेंस अच्छा नहीं है जिसके कारण से पंचायतें अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रही तो पंचायतें काम नहीं कर पा रही उसमें हमेशा एक पॉइंट फाइनेंस का आएगा आएगा याद रखेगा ठीक है ना इन एबसेंस ऑफ अ वेल एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज लोकल लेवल गवर्नमेंट सिस्टम तो मेरे प्यारे बच्चों वेल एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में बहुत से पार्ट आएंगे लेकिन फाइनेंस भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट आएगा याद रखेगा तो फाइनेंस नहीं है तब भी पंचायतें बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाएंगी। एक पॉइंट फिर देखिए 2016 में नहीं आया 2017 में आए भारत में स्थानीय सुशासन पद्धति शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज नॉट टू बी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस अब आप यहां से देख सकते हैं यानी क्या कह रहा भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई क्रिटिकली एग्जामिन द द स्टेटमेंट एंड गिव योर टू इंप्रूव सिचुएशन अब कह रहा क्रिटिकली एग्जामिन यानी आपको क्या करना है समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और विचार तो समालोचनात्मक परीक्षण आप कैसे कर पाएंगे यानी इसके बारे में क्या यानी यह स्टेटमेंट सही है या सही नहीं है दोनों बातों पर आपको अपनी निगाह डालनी पड़ेगी ठीक है तो ऐसे में जब आप बताते हैं कि भाई इसमें ये कमियां है तो उन कमियों में उन कमियों में किसको किसको ले आएंगे तो एक फाइनेंस का भी मुद्दा लेकर के आएंगे याद रखेगा ठीक है ना ठीक है इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस इसलिए भी नहीं हो पा रही क्योंकि उसके पास वित्त की कमी वो फाइनेंस के लिए डिपेंडेंट है किसके ऊपर यानी स्टेट के ऊपर पूरी तरीके से और सेंटर के ऊपर यानी फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर जो यानी हमारा वित्त आयोग है तो उसके पास पास अपने अपने सेल्फ सेल्फ रिसोर्स रिसोर्स नहीं नहीं है है अब जिस संस्था के पास अपने नहीं है, वो अपनी सरकार में क्या जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है आप बताइए यानी जो उसके यहां काम कर रहे हैं क्या उनके साथ वह बेहतर सिस्टम को आगे बढ़ा सकती है नहीं तो फाइनेंस बहुत जरूरी है याद रखें यहां पर और हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उसको कैसे इंप्रूव किया जाए इसके बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं 2018 में देखिए क्वेश्चन पूछा अब देखिए फिर आ गया पंचायत प्रणाली के महत्व तो का आकलन कीजिए यानी स्थानीय शासन में पंचायत पर फोकस हो गया विकास परियोजनाओं के वित्तीय के लिए पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों को खोज सकती हैं देखिए यूपीएससी खुद ही कह रहा है यूपीएससी खुद ही कह रहा मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा क्या कह रहा है कि विकास परियोजनाएं जो भी चलती हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो उसमें सरकारी अनुदान यानी अब आप देखिए इसका मतलब साफ कह रहा है कि जो भी लोकल प्रोजेक्ट चलते हैं उसके लिए पंचायतें टोटली डिपेंडेंट होती हैं स्टेट के ऊपर तो उसने कहा कि भाई टोटली स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होती है ऐसे में वो और क्या करें कि उनके पास रिसोर्सेस स्वयं है यानी स्वयं के रिसोर्स किन स्रोतों की खोज कर सकती थी तो आज हम इन स्रोतों पर बातचीत नहीं करने जा रहे हम इसी पर पढ़ने जा रहे हैं आज, आज आपको जबरदस्त रूप से समझ में आएगा कि पंचायतें कैसे सरकारी अनुदानों पर ही डिपेंडेंट है आज यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा पंचायतें कैसे सरकारी अनुदानों पर डिपेंडेंट है फिर देखो उन्नीस में भी आया था लेकिन मैंने हटा दिया चुकी उसमें उन्नीस में आया था कि उसमें महिलाओं की भूमिका पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका वुमेन इंपावरमेंट तो वो एक्चुअल में टॉपिक में कहीं डिस्कस नहीं किया गया तो वो देना नहीं था बस बताना चाह रहा था कि लगातार आ रहा 2020 में आपसे पूछा मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं The strength, क्योंकि इसकी हिंदी भयंकर है यानी मैं हिंदी माध्यम का बेसिक टीचर हूं लेकिन इसकी हिंदी इतनी भयंकर है कि मेरा भी मन इंग्लिश वाला पढ़ने को कर रहा है जरा देखिए भारत में स्थानीय निकायों की सुदृढ़ता एवं संपोषिता प्रकार कार्यकर्ता व कोष अब देख रहे हो प्रकार कार्यकर्ता करता व कोष की अपनी रचनात्मक से प्रकार हिंदी की जो बच्चा पहली बार मान लीजिए प्री निकल गया है और वो खूब जोश से जा रहा है ऐसा प्रश्न देख करके सर हिट जाएगा कि यार हिंदी में इतनी कठोर लैंग्वेज की जरूरत क्या है इसको हम आसान भाषा में भी तो कह सकते हैं लेकिन नहीं स्ट्रेंथ एंड

यानी जो पंचायती राज सिस्टम है पूरा फोकस उनका फंक्शनैलिटी पर यानी फंक्शन पर है यानी किस प्रकार से जो भी उनके सब्जेक्ट हैं पंचायती राज संस्थाओं को जो इलेवेंथ शेड्यूल के द्वारा सब्जेक्ट मिले हैं उन सब्जेक्ट्स पर वो कैसे काम करें ठीक है यह प्रश्न में कह रहा है वो कह रहा है कि कौन कौन से चैलेंज उनको फेस करने पड़ रहे हैं याद रखेगा तो यहां पर पंचायती राज के साथ साथ नगर पालिका नगर निगम भी है दोनों है क्योंकि स्थानीय शासन पूछ रहा है तो मैं पंचायती राज पढ़ा रहा हूं और या अगर नगर निगम को भी शामिल कर लिया जाए दोनों के सामने सबसे बड़ी समस्या और खासकर पंचायतों के सामने सबसे बड़ी समस्या है यानी क्या करा फंक्शनैलिटी के सामने कौन कौन सी बाधाएं कौन कौन से बैरियर है तो फाइनेंस एक बहुत बड़ी बाधा है यानी जब वित्त ही नहीं रहेगा तो किस प्रकार से बेहतर कार्य कर पाएंगे तो ये आप यहां से देखें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं अब आता है ए से यानी लोकल बॉडीज पर हम पढ़ने जा रहे हैं तो ए से आता है तो अब यहां पर मैं लिख दू डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र पर कोई भी निबंध आता है कि भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है हमने स्वाधीनता के 75 वर्षों में जो नहीं सीखा इस प्रकार का कोई भी प्रश्न अगर आपके सामने आता है ठीक है तो आपको इसमें क्या दिखाना है यानी आपको केंद्र के बारे में भी राज्य के बारे में भी और स्थानीय निकायों के बारे में भी दिखाना होगा तो स्थानीय लोकल बॉडीज के सामने जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसको भी आप एक पैराग्राफ में दिखा सकते हैं ये आपको यानी अच्छा मार्क्स दिला देगा तो एक पैराग्राफ वहां पर आप इसको ऐड कर सकते हैं डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई भी ऐसे आता अब इसके बाद ऐसे और भी सॉरी अब इसके बाद आता है एथिक्स में ध्यान रखिएगा किस में यानी इथिक्स में इथिक्स में वो जो प्रश्न आया था कि साझा किए गए मूल्यों तथा नैतिक दायित्वों के बिना ना तो लोकतांत्रिक सरकारें चलेंगी ना डॉट 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 चलेंगे यह प्रश्न 2017 का है शायद आप एक बार चेक करिएगा 16 17 सत्रह का तो साझा किए गए मूल्य एवं नैतिक दायित्व तो क्या है साझा किए गए मूल्य एवं नैतिक दायित्व तो मेरे प्यारे बच्चों यही है यानी केंद्र राज्य और स्थानीय निकाय एक दूसरे के साथ सब कुछ साझा करें और जब वो साझा करेंगी तभी जाकर के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आदर्श को हम प्राप्त कर पाएंगे और और वह प्राप्त करते हुए हम लोकतांत्रिक सरकार को बेहतर ढंग से चला पाएंगे तो उस क्वेश्चन के अंदर भी एक छोटा सा पॉइंट आप उठा करके डाल सकते हैं तो आप देखिए यानी हर जगह जैसे भी चाहे आप इसका यूज कर सकते हैं अब इसके बाद आते हैं मॉडल क्वेश्चंस की तरफ अब आइए मॉडल क्वेश्चन क्या सेवनटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ तिहत्तरवा चौहत्तरवा साइनिंग एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक डिसवा और चौहत्तरवा संविधान संशोधन भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक चमकदार उदाहरण क्या है एक चमकदार उदाहरण है टूडे आवर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पी आर आई इसलॉक्स विद बैरियस चैलेंजेस डिस्कस दो चैलेंजेस ठीक है आज हमारी पंचायती राज संस्थाएं विभिन्न चुनौतियों से ग्रस्त हैं उन चुनौतियों पर चर्चा करें तो मैं बताने जा रहा हूं यानी क्या कहा जा रहा है तिहत्तरवा चौहत्तरवा संविधान संशोधन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक बड़ा एग्जाम्पल है क्या है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक एग्जाम्पल है अब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है यानी शासन की एक ऐसी इकाई जो जो ग्रासरूट स्तर पर प्रशासन का कार्यभार संभाले ठीक है तो इसका चमकदार उदाहरण आप लिखेंगे हाँ मतलब इस क्वेश्चन की शुरुआत होगी यस जैसे हमारी शब्दावली में हम क्या लिखते हैं सबसे पहले भूमिका वगैरह लिखने लग जाते हैं नहीं हम लिखेंगे हाँ यह कथन पूर्णतः सत्य है कि वह एक चमकदार उदाहरण है हाँ यानी हम क्वेश्चन जो पूछा गया उसके साथ एग्री कर गए ठीक है ना फिर उसके बाद हम हां लिखने के बाद आज हमारी पंचायती राज संस्थाएं किन चुनौतियों से तो पूरा क्वेश्चन आएगा चुनौतियों पर फिर हां लिखने के बाद हम चुन हां लिखेंगे कुछ एग्जाम्पल लिख देंगे फिर लिख देंगे चुनौतियां वन टू थ्री जो मैं बताने जा रहा हूं और फिर करा ठीक है ना उनके बारे में डिटेल से बनाइए उन चुनौतियों के बारे में तो कई चुनौतियां जिसमें फाइनेंस पर ज्यादा फोकस किया गया है ध्यान रखेगा अगला क्वेश्चन आता है अब यहां पर बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से बनाया गया आपके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन के ऊपर फोकस किया गया है जैसे केंद्र में वित्त आयोग है वैसे ही राज्यों में भी वित्त आयोग है तो यहां राज्य वित्त आयोगों की भूमिका को पीआरआई के फाइनेंस संकट से जोड़ा गया है इस प्रश्न में पीआरआई यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हाउ इज द स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड राज्य वित्त आयोग का गठन कैसे किया जाता है व्हाट आर द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय स्टेट फाइनेंस कमीशन इन इंडिया कमीशन्स इन इंडिया भारत में राज्य वित्त आयोग द्वारा किन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है खासकर स्टेट में तो कभी भी गिव रिजनेबल सोल्यूशन फॉर दो चैलेंजेस उन चुनौतियों के लिए उचित समाधान दें हाउ फॉर डू यू थिंक स्टेट फाइनेंस कमीशन हैव बीन सक्सेसफुल इन टैकलिंग द इश्यू ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन अब देखिए कनेक्ट कर दिया गया कि पंचायती राज संस्थाओं में जो वित्तीय संसाधनों की कमी है उस मुद्दे से निपटने में राज्य वित्त निगम कहां तक सफल रहे हैं अब आप देखिए यानी तीस वर्ष होने जा रहा है स्थानीय शासन व्यवस्था को लाए हुए भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है जो संघीय संरचना है वो अपने आप में विशिष्ट है क्योंकि तो संपूर्ण विश्व में जो फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया उसमें गवर्नमेंट केवल के टू टायर है यानी सेंटर और जो है राज्य केंद्र और राज्य सरकारें लेकिन हमारे यहाँ थ्री टायर गवर्नमेंट सिस्टम है यानी सेंटर है स्टेट है एंड थर्ड आपका लोकल बॉडीज है इसलिए हमारा फेडरल स्ट्रक्चर विश्व के अन्य फेडरल स्ट्रक्चर से बहुत व्यापक है और इसमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संकल्पना है तो ऐसे सिस्टम को किस प्रकार के फाइनेंशियल इश्यूज का सामना करना पड़ रहा हम ये पढ़ने तो ये सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे आइए चलते हैं व्हाट इज द इश्यू तो मेरे प्यारे बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल डिसरिगार्ड संवैधानिक उपेक्षा की जा रही है याद रखें संवैधानिक उपेक्षा यही संवैधानिक उपेक्षा की जा रही है। किसकी उपेक्षा की जा रही है? किसकी उपेक्षा की जा रही है तो तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संविधान संशोधन की उपेक्षा की जा रही है और यह एडिटोरियल बहुत महत्वपूर्ण तीस साल होने वाले बार बार बता रहा हूं अब कैसे स्टार्ट यही से किया गया कैसे भाई कैसे नजरअंदाज किया जा रहा तो वही कहा गया कि स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी संविधान कहता है कि राज्यों को वित्त आयोग का गठन करना पड़ेगा प्रत्येक पांच वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करना पड़ेगा लेकिन लेकिन आज कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर राज्य वित्त आयोग निष्क्रिय हैं डिफंक्शन है तो यानी वो कोई काम नहीं कर पहली समस्या है जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है स्टेट फाइनेंस कमीशन अच्छे से यानी निष्क्रिय है आप ऐसा पढ़ सकते हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया ये निष्क्रिय है ठीक है अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा अब बेसिक यानी ये तो हो गया इश्यू मुद्दा क्या है जिस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन के ऊपर तो ये जो प्रश्न लिखाया गया इसका तो कंप्लीट आंसर आपको मिलने जा रहा है बाकी का यानी जो पीछे वाला क्वेश्चन है इसमें भी तीनों समस्याएं मिल जाएंगी आपको तो आई होप आप टॉपिक एकदम से समझ गए हैं और टॉपिक खुल गया है इंपॉर्टेंट यह नहीं होती कि हमने आज एडिटोरियल पढ़ा इंपॉर्टेंट यह होता है कि एडिटोरियल कंप्लीटली खुला और आप उस पर काम कर पाए कि नहीं काम कर पाए तो आई होप यानी होपि से खुल गया हो रही क्या उपेक्षा हो रही ये आपने पढ़ लिया यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं और कुछ राज्य हैं जहां पर बिल्कुल ये सुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वह राज्य और लोकल बॉडीज के बीच में जो भी रिसोर्सेस होते हैं उनका आवंटन सुनिश्चित करें और वो भी तार्किक आवंटन जिस प्रकार का आवंटन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है वित्त आयोग की अनुशंसा पर यानी भारत के वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को तो जिस प्रकार से यानी भारत का वित्त आयोग है उसकी रिकमेंडेशन को केंद्र सरकार कंप्लीटली मान लेती है लेकिन राज्य वित्त आयोग की जो रिकमेंडेशन होती हैं उस पर वर्षानुवर्ष यानी कई कई वर्षों तक जैसे हमने अगर ग्यारह में सुझाव दिया स्टेट फाइनेंस कमीशन ने तो उस पर कार्रवाई चौदह में हो रही तो हम कई वर्ष तक उसका अनुपालन नहीं करते तो इसका मतलब यहां राज्यों की टांग खिंचाई भी आप कर सकते हैं कि राज्य हमेशा हो हल्ला करते हैं कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो भी दिया जा रहा है हम तक अच्छे से नहीं पहुंच रहा तो लोकल बॉडीज को भी हल्ला करना चाहिए ना लोकल बॉडीज को भी हल्ला करना चाहिए कि भाई स्टेट से हमें फाइनेंस नहीं मिल रहा बट वहां पर इतनी अवेयरनेस नहीं है इस वजह से बहुत कम जगहों पर इस विषय पर चर्चा होती तो ये हो गया मुद्दा आई होप आप समझ गए अब यहां से आता सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट के बारे में सारी बातें बताई गई हैं फिर इसके बाद सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट के बारे में बताया गया ये बेसिक है इसको आप चाहेंगे तो खुद भी कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए क्या यानी आप इसको खुद भी कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं पंचायती राज के बारे में बताया गया है कि उन्नीस में तिहत्तर संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थान हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन बन गए गए संवैधानिक निकाय मेरे प्यारे बच्चों और संविधान में भाग नौ पंचायत नाम से जोड़ा और अनुच्छेद 243 बी पंचायतों के गठन प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर तीन स्तरों पर पंचायतों का गठन किया जाएगा इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेरे प्यारे बच्चों इन्हीं दोनों पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था क्या प्रश्न पूछा था इतनी बारीकी से आपको पढ़ने की आवश्यकता है यह देखिए क्या प्रश्न पूछा था पंचायतें और समितियां यानी पंचायतें और समितियां क्या हो गई पोलिटिकल टूल हो गई अच्छा काम नहीं कर पा रही तो पंचायतें और समितियां मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं ब्लॉक लेवल पर जो पंचायत समितियां होती हैं इनके बारे में प्रश्न था और जो ग्राम पंचायत होती है इनके बारे में था कि ये पॉलिटिकल टूल यानी राजनीतिक उपकरण बन गए हैं प्रभावी शासन नहीं कर पा रहे तो आपको पता होना चाहिए भाई ऐसे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं तो तीनों को रट लीजिएगा ठीक है मेरे प्यारे बच्चों याद रखें फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद दो जी टू जी में कहा गया है जो जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वैसे तो बहुत से आर्टिकल्स हैं लेकिन यहां चराकी से वही वही रखा गया जो आपको याद करना है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं नहीं तो कह देता ये तो बेसिक है नोट्स में दे रहा हूं आप पढ़ लीजिएगा नहीं ये महत्वपूर्ण है टू जी राज्य सरकारों के लिए पंचायतों को शक्तियां जिम्मेदारियां और अधिकार सौंपना अनिवार्य बनाता है ये मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि जब पंचायतें बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रही जब पंचायतें बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रही तो आपको सतर्क रहना है आप जब भी पंचायतों के आउटकम पर कोई प्रश्न पूछे तो आपको यह या लिखना है यानी इसकी नीड क्यों है आप लिखेंगे कि आर्टिकल 243 जी कहता है कि राज्य पंचायतों के लिए जो भी आवश्यक है वह करें लेकिन अगर इस आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है तो इसका मतलब है राज्य सरकारें पंचायतों को लेकर के संविधान में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन कर रही और वहां पर आप राज्य को संवैधानिक रूप से कटघरे में खड़ा कर सकते हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं नहीं तो बताने की जरूरत नहीं है इनका कार्यकाल क्या होता है ये सब बताने की आवश्यकता नहीं Act मेरे प्यारे बच्चों तो सेम वही बात नगर पालिकाओं या शहरी स्थानीय शासन प्रणाली की स्थापना होती है और भाग नौ ए जोड़ा जाता है अनुच्छेद टू पी से टू जेड जी नामक एक नया अध्याय इसमें आता है और बताने की जरूरत नहीं है यानी आपके सामने आ गई तो कौन कौन सा होता थ्री टाइप ऑफ म्युनिसपालिटीज होती हैं यानी तीन प्रकार की नगर पालिकाएं हैं नगर पंचायत दूसरा है म्युनिसिपल काउंसिल फॉर अ स्मॉलर यानी छोटा अगर कोई शहर है तो वहां पर म्युनिसिपल काउंसिल होगी अगर बड़ा शहर है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा याद रखेगा तो ये लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है ये पंचायती राज इन रूरल सोसाइटी और ये म्यूनिस्पालिटी इन अर्बन सोसाइटी तो इसको आप ऐसे ही डायग्राम बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्या कर लीजिएगा डायग्राम बना करके इस टाइप का जवाब लिखते हैं लिखते लिखते ऐसे बीच में फ्लो चार्ट बना दिया तो इसका एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर ध्यान के राइटर कहते हैं ये दोनों अधिनियम 24 अप्रैल उन्नीस से लागू हुए और 2023 में हम तीसवीं वर्षगांठ थर्टी एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं और यही है कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है याद रखेगा ठीक है ना लेकिन अब देखिए यहीं से आ गया अब जैसे यहां पर मैं लिख दू निबंध क्योंकि यूपीएससी में निबंध भी पूछा हुआ पीछे अगर आप जाएंगे तो पंचायती राज संस्थाओं पर ओल्ड टाइम्स में यानी पंचायती राज संस्थाओं पर क्वेश्चन पूछे गए अब यहां पर आप ध्यान दे पंचायती राज संस्थाओं पर जो प्रश्न पूछे गए तो तीस वर्ष हो गए तो लिख देगा पंचायती राज संस्थाएं उपलब्धियां चुनौतियां एवं संभावनाएं लिखिए निबंध तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा तो यहां देखिए क्या निष्कर्ष दे रहा है तीस साल हो जाएगा अगले साल लेकिन आज भी देख सकते हैं विकेंद्रीकृत स्थानीय निकायों के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है यानी मना नहीं कर रहे कि कुछ भी अचीव नहीं किया गया यानी बहुत कुछ अचीव किया जाना बाकी है तो क्या क्या अचीव किया जाना बाकी है यानी हम जो नहीं अचीव कर पाए हैं उस विषय में बातचीत करने जा रहे हैं तो क्या क्या अचीव किया जाना बाकी है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा उसके बारे में आप पढ़ेंगे और यही एडिटोरियल में लेकिन उसके पहले उसके पहले एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो यह शब्द आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तिहत्तरवां चौहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया उसे लागू किया गया तो वहां पर इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया कि ये दोनों यानी पंचायती राज और नगर पालिकाएं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आदर्श को पूरा करेंगी तो आपको एक्चुअल डेफिनेशन पता होना चाहिए हम लोग हम लोग व्यवहारिक डेफिनेशन आपको बताते हैं आइए देखें शब्द कोश के अनुसार इसकी डेफिनेशन क्या है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण केंद्र से निचले स्तरों पर यानी यहां केंद्र है और निचले स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों एकदम रख लीजिएगा निर्वाचित प्रतिनिधियों को कार्यों और संसाधनों के हस्तांतरण की प्रक्रिया है जिससे कि शासन में नागरिकों की अधिक प्रत्यक्ष भागीदारी को सुविधाजनक बनाया जा सके इस डेफिनेशन को आप चार पांच बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा इसको आपको रट लेना है। क्योंकि कुछ बातें आपको रटी रटाई लिखनी अगर आ गया नहीं भी आया तो भी ऐसे वगैरह में हम इसका यूज करेंगे अगर आपको रटा रहेगा याद रखेगा अब इसके बाद आते हैं तो पंचायतें सहित स्थानीय सरकार संविधान में यानी ऑब्वियस है स्टेट का सब्जेक्ट है इसलिए पंचायतों को शक्ति और अधिकारों का हस्तांतरण राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया अब बड़ा मजेदार यानी जो लोकल बॉडीज हैं यह राज्य से संबंधित हैं इसलिए राज्य के विवेक पर यह छोड़ दिया गया है कि राज्य किस प्रकार से इन लोकल बॉडीज को क्या यानी राइट देंगे अधिकार देंगे ड्यूटी देंगे उनके कर्तव्य सुनिश्चित करेंगे तो राज्य के विवेक पर यानी अगर राज्य का विवेक अच्छा नहीं है तो अब ये पंचायती राज संस्थाएं सफर करेंगी और हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि संविधान ने राज्यों के विवेक पर छोड़ा है पंचायत मतलब जो लोकल बॉडीज हैं और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है किस रूप में आइए यहां पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं किस रूप में उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा मेरे प्यारे बच्चों भारत में पंचायती राज संस्थाओं पर क्या संकट रट लीजिए इसको और ये जो संकट है अब ये कहां कहां जाएगा किस किस निबंध में जाएगा वो सुन लीजिए यानी स्वाधीनता के पचहत्तर वर्षों में जो हमने नहीं सीखा उसमें भी ये जाएगा एक पैराग्राफ भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है वेदर इंडियन डेमोक्रेसी उसमें भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स में ये तीन पॉइंट जाएंगे क्योंकि आप ठीक है और इसके बाद वे सपने जो भारत को सोने ना दे की निष्ठा सफलता के दो मंत्र क्या है स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र स्वीकारोक्ति का साहस, तो साहस दिखाइए जो कमियां हैं इनको एक्सेप्ट करिए और आगे का पंक्ति आपको पता ही पता तो ये इन सब जगहों पर जो है क्या होगा लग जाएगा इनफैक्ट वहां पर भी लग जाएगा कि जहाज अपने आसपास के पानी से नहीं पानी के जहाज के अंदर आ जाने से डूब जाता है यह निबंध पिछले साल 2021 में आया था तो जहाज क्या है डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी में यानी बहुत सी हलचल होती रहती है, बहुत सी चीजें होती रहती लेकिन जब वो हलचल उस डेमोक्रेसी के अंदर हो जाए डेमोक्रेसी को खतरा उत्पन्न हो जाता है तो आप बोलेंगे अगर हम लोकल बॉडीज को देखें तो यह कुछ समस्याएं जिनका सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे में डेमोक्रेसी के जो निर्धारण करने वाले लोग होते हैं यानी केंद्र और राज्य स्तर पर जो नेतृत्व करने वाले हैं उनको यह सोचना पड़ेगा कि अगर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को हम कमजोर करेंगे उसे मजबूत नहीं करेंगे तो लोकतंत्र भी कमजोर हो जाएगा एक पैराग्राफ आप इस निबंध में भी डाल सकते हैं तो क्या क्या समस्याएं हैं देख सकते हैं यानी चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा यानी आपको पता होगा कि समय पर चुनाव सभी पंचायतों में नहीं होते तो पहला मुद्दा आपको यह याद रखना है समय पर चुनाव ना होना ठीक है यहां पर वही सारी बातें बताई गई हैं बाकी आपको डिटेल करने की जरूरत नहीं दूसरा है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कमजोर या गरीब बुनियादी ढांचा उनके पास है याद रखेगा ठीक है ना इसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि उनकी अपनी बिल्डिंग ही नहीं यानी पंचायतों की बिल्डिंग ही नहीं आप मैं खुद अपने गांव की जानता हूं आप सब भी अपने गांव की जानते हैं कमेंट करिए क्या पंचायतों के पास अपनी बिल्डिंग है कहीं 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 एकाध अगर आपको दिख जाए अन्यथा बेचारे पंचायतों के काम आंगनबाड़ी में होते हैं पंचायतों के काम प्राइमरी स्कूल के कैंपस में होते हैं यानी जो भी सार्वजनिक स्थल होता है वहां पर उनके काम होते हैं तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है दूसरी सबसे बड़ी समस्या और ये बहुत बड़ी समस्या है अब एडिटोरियल लंबा हो जाएगा नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही मैं 10 से 15 मिनट आपको बताता इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना आप खुद सोचिए आपके पास पेन ना हो पेंसिल ना हो आपके पास नोटबुक ना हो आपके पास फोन ना हो आपके पास मेरा लेक्चर ना हो तो क्या सीखेंगे आप स्वाभाविक है ऐसे ही अगर पंचायतों के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो फिर वो कैसे बेहतर काम कर पाएंगे उनकी मीटिंग्स कहां होंगी ठीक है तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है तीसरा आ गया लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस मैंने बता दिया यानी वित्तीय संसाधनों की कमी उसके पीछे रीजन उनको अपने यहां जो रिसोर्सेज है यानी जो लोकल स्तर पर रिसोर्सेज है उस पर टैक्स लगाने की छूट नहीं है जैसे गन्ना की पेराई उसके बाद गुड़ का बनना गुड़ को बेचना या जो स्थानीय स्तर पर अब जो है ये सब आ, संस्थाएं काम कर रही हैं जैसे जो गन्ना पर काम कर रहे हैं जो इसके साथ साथ खोई वगैरह जो उसकी होती है उस पर भी काम करें तो पंचायतें चाहे हर चीज पर टैक्स लगा सकती जो बाग होते हैं आम के और इन सबके यानी जितने भी फ्रूट्स की खेती होती है उन सब पर भी टैक्स लगा सकती हैं जो यानी तालाब है, भले आपका निजी तालाब है उस पर भी उनको टैक्स लगाने की कुछ क्षमता होनी चाहिए ठीक है भले आपका निजी तालाब है उस पर भी आपकी यानी उनकी सामुदायिक पर तो होना ही चाहिए तो इस प्रकार की यानी उनकी जो रिसोर्सेज जहां से वो जनरेट कर सकते हैं

तो फाइनेंशियल यानी ये तीन समस्याएं लेकिन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है लैक ऑफ फाइनेंशियल यानी वित्तीय संसाधनों की सबसे बड़ी कमी और दोनों की केवल पंचायतों की नहीं यहां लिखा हुआ अर्बन लोकल बॉडीज में भी यानी एक बहुत बड़ी कमी है मेरे प्यारे बच्चों अब इसके बाद आता है ठीक है कि जो यानी पूरा फोकस है यानी जो रूरल लोकल बॉडी यानी पंचायतें हैं उसमें यह कहा गया है कि ये जो यानी हमारी पंचायतें हैं राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन या केंद्रीय वित्त आयोग ठीक है ना के अनुदानों पर निर्भर यानी जो ग्रांट मिलती है इनको स्टेट फाइनेंस कमीशन से और केंद्रीय वित्त आयोग से यह इन इसी पर डिपेंड करती है अपने सभी प्रकार के यानी ऑपरेशन के लिए सभी प्रकार के संचालन के लिए और इनके पास अपना राजस्व देखिए लिखा हुआ अपना राजस्व उत्पन्न करने की शायद ही कोई शक्ति हो यानी कहीं कहीं एक दो एग्जाम्पल आपको जैसे केरला वगैरह में दिखाई दे सकते हैं जहां पर पंचायतें अपना रिसोर्स खुद डेवलप कर रही हैं कुछ बाकी 98 परसेंट में कहीं से कोई भी अपना सोर्स यानी इनकम का जनरेट करने की शक्ति उनके पास नहीं इसको आप याद कर लीजिएगा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है अब आते हैं राइटर कहते हैं अब राइटर यहां से पकड़ लेते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन को बहुत अच्छा टॉपिक है बहुत टाइम के मतलब मुझे भी अपने टाइम पे स्टेट फाइनेंस कमीशन को घेरने के लिए इतने अच्छे यानी पूरा स्टेट फाइनेंस कमीशन पर पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन को घेर लेते हैं और वो क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों ठीक है ना यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन की जिम्मेदारी है क्या जिम्मेदारी है इसको रट लीजिएगा यानी जब भी पंचायतों का फाइनेंस वाला इश्यू आएगा जैसा आया हुआ है पीछे प्रीवियस ईयर में तो आपको स्टेट फाइनेंस कमीशन का ये जो पॉइंट आप पढ़ने जा रहे हैं इसको आपको याद रखना पड़ेगा स्टेट फाइनेंस कमीशन कहता है क्या कहता है यानी उसकी जिम्मेवारी है कहता नहीं उसकी जिम्मेदारी है क्या जिम्मेवारी है जरा देखिए कि वो जो क्या करे राज्य और स्थानीय निकाय के बीच संसाधनों का हस्तांतरण करे यानी वह सुझाव दे कि जो भी एक राज्य के अंतर्गत रिसोर्स हैं उसमें से क्या राज्य रखेगा और, और कितना रखेगा और क्या और कितना यानी लोकल बॉडीज के पास जाएगा यह कौन सुझाव देता है ये स्टेट फाइनेंस कमीशन देता है याद रखेगा इसके अलावा उसकी एक और शक्ति है एक ये तो पहली शक्ति हो गई जैसे केंद्र एवं राज्यों में वित्त का हस्तांतरण कैसे हो ठीक है ना उसके लिए केंद्रीय वित्त आयोग है वैसे ही राज्य और लोकल बॉडीज के बीच में वित्त का हस्तांतरण कैसे उसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन है तो पहला ये हो गया दूसरा हो गया कि जो लोकल बॉडीज हैं वो कैसे टैक्स लगा सके और कैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा कर सके इसकी सिफारिश करे शब्द पकड़ लीजिएगा इसकी सिफारिश करे ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है सिफारिश यानी सजेशन सिफारिश करे ये स्टेट फाइनेंस कमीशन की जवाबदेही है कि वो बताए कि पंचायतें कहां कहां से टैक्स इकट्ठा कर सकती हैं अपनी टेरिटरी में और कहां से वो नॉन टैक्स रेवेन्यू भी यानी बिना टैक्स के सामुदायिक संपत्ति है मान लीजिए एक बड़ी सी भूमि खाली है अब उस भूमि को पंचायत क्या करे एक मैरिज हॉल का रूप दे दे शादियों के टाइम पर यानी कि हमेशा के लिए नहीं एक मैरिज हॉल का रूप दे दे कुछ पैसे लगा करके उसके बाद आप आसपास यानी जितने भी गांव एक एक पंचायत के अंदर कई गांव होते हैं हर साल शादियां होती तो शादियां हो और उस शादियों में एक रेंट लिया जाए जैसे टेंट वाले रेंट लेते हैं तो वह रेंट क्या हो जाएगा उसकी अपनी इनकम यानी इस प्रकार के सजेशन की बात हो रही एक दूसरा यानी पंचायतें मेलों का आयोजन करें मेलों में विज्ञापन जैसे आज अगर दिल्ली में बुक फेयर लगता है तो उसमें विज्ञापन के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छे पैसे खर्चा करती तो ऐसे पंचायतें भी अगर कोई मेलों का आयोजन करें इसका इस इसका जो सुझाव राज्य वित्त आयोग दे कि नॉन टैक्स रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू तो बताना सबसे आसान है नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसे आएगा तो वो भी मेलों का आयोजन करें मेलों में स्थानीय स्तर के दुकानदारों को कहा जाए कि हम यहां पर आपका एड लगाएंगे और आप इतना इतना पैसे का इतना एड है शुरुआत में कम पैसा रखा जाए स्थानीय स्तर पर जब मेला लगेगा बड़ा मेला लगेगा तो लोकल जो दुकानदार हैं या जो भी बिजनेसमैन है वो अपना अपना एड करवाएंगे इसके लिए आपको विज्ञापन करना पड़ेगा लगना पड़ेगा तब जाकर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे ठीक है ना मरुस्थल से पानी निकालने जैसा होता है रेवेन्यू इकट्ठा करना ध्यान रखिएगा तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों लेकिन 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 बहुत बढ़िया इसको रट लीजिएगा यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन आपसे पूछे कि राज्य वित्त आयोग का प्रमुख काम क्या है तो ये पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट चिपका दीजिए और फिर लिखिए क्या ये अपना काम कर रहे हैं तो अगली पॉइंट पकड़ लीजिएगा बट स्टेट फाइनेंस कमीशन कई राज्यों में या तो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं या कई राज्य ऐसे जहां पर वो निष्क्रिय हैं पैसिव अवस्था में तो अब आप सोचिए काम नहीं कर रहे हैं या पैसिव हैं ये दो जिम्मेदारियां कौन निभाएगा और जब ये जिम्मेदारियां नहीं निभा पाएंगे कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी ये जब जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे कि लोकल बॉडीज कैसे टैक्स कलेक्शन करें इसका सुझाव देना लोकल बॉडीज कैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट करें इसका सुझाव देना मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा अगर इसका वह सुझाव नहीं दे सकती इस पर काम नहीं कर सकती हैं तो जो ये प्रश्न लिखा हुआ किन स्रोतों को खोज सकती यानी पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों को खोज सकती हैं तो यही मेरे प्यारे बच्चों स्टेट फाइनेंस कमीशन की जिम्मेदारी है टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कैसे हो उसका एक मॉडल एक नमूना उनके सामने पेश करें तो आप इस प्रश्न में भी लिखेंगे इसी पॉइंट को लिखेंगे कि अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो पंचायतें स्वाभाविक हैं अपने खर्च के लिए सरकारी अनुदानों पर ही डिपेंडेंट होंगी अब आप देख सकते हैं तो छोटी छोटी बातें हैं इसको कैसे इंटरलिंक करना है यह आपको सीखना है ध्यान रखेगा यह हो गया ठीक है अब आते हैं यानी हम स्टेट फाइनेंस कमीशन के ऊपर पढ़ते हैं कि ये कब बनाया गया ऑब्वियस है सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट के द्वारा ये बनाया गया और इसका काम क्या था पंचायतों और नगर निगमों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना यानी देख सकते स्टेट फाइनेंस कमीशन की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि भैया पंचायतों के पास पैसा नहीं तो तुम समीक्षा करो पैसा क्यों नहीं है और वो पैसा टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू से किस प्रकार इकट्ठा करें आप बताइए इसके बारे में ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए इनका गठन किया गया है याद रखेगा लेकिन 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 फिर आ गया राज्य वित्त आयोग भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं पांच चुनौतियां रट लीजिएगा आप देखिए यानी राज्य वित्त आयोग पर कोई प्रश्न आएगा आज के बाद आपका कुछ भी यहां से छूटने वाला नहीं अब राज्य वित्त आयोग के साथ पांच मुख्य मुद्दे हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या है पहला मुद्दा है कि बहुत से राज्य ऐसे हैं क्या है बहुत से राज्य ऐसे हैं जो कि जो कि मेरे प्यारे बच्चों स्टेट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एस यानी राज्य स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन ही नहीं करते यानी संविधान की भी अवहेलना कर दे रहे हैं पहला मुद्दा तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा ठीक है ना जबकि संविधान का अनुच्छेद दो आई आई फॉर इंपोर्ट दो आई मेरे प्यारे बच्चों राज्यों को यानी रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए और राज्यपाल को इन तीनों के बारे में सुझाव देने के लिए एस गठित करने का अधिकार देता है राज्य गठित करेंगे और यह शक्ति मिलती है अनुच्छेद दो आई के द्वारा और क्या काम करना है यानी वित्तीय स्थिति की समीक्षा यानी आपको समीक्षा करनी लेकिन आज तक आपने कभी पढ़ा कि किसी स्टेट की फाइनेंस कमीशन ने उस स्टेट की जो लोकल

सुझाव देता है कितना कितना होना चाहिए एस एफ सी यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन स्थानीय निकायों को सौंपे जाने वाले टैक्स शुल्क आदि का निर्धारण भी यही करता है कि लोकल बॉडीज को कितना शुल्क मिलेगा कितना टैक्स मिलेगा इसके अलावा राज्य जो स्थानीय निकायों को ग्रांट यानी अनुदान प्रदान करते तो इसको रट लीजिएगा यानी इस, इस, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किन किन कार्यों के लिए किया जाता है यहां लिखा गया लेकिन समस्या यह है कि बहुत से राज्य एस का गठन ही नहीं करते हैं याद रखेगा यानी अब यहां पर बताया गया वही एग्जाम्पल की गठन नहीं करते हैं या विलंब से गठन करते हैं क्या गठन नहीं करते हैं या विलंब से गठन करते हैं तो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राज्यों को अपना पहला एस एफ सी एक अप्रैल उन्नीस तक गठित कर लेना चाहिए था यानी सभी राज्यों को एक अप्रैल उन्नीस तक चुकी यह अधिनियम 24 अप्रैल उन्नीस चौथावा संविधान संशोधन अधिनियम चौबीस अप्रैल उन्नीस तिरानवे से लागू हुआ तो इस हिसाब से आपके पास टाइम था यानी लगभग एक साल का तो एक अप्रैल उन्नीस चौरानवे तक सभी को पहला फाइनेंस स्टेट फाइनेंस कमीशन गठित कर लेना था इसके बाद हर पांच साल पर गठित करना था लेकिन आप देख सकते हैं तब से 2022 तक दिया गया अधिकांश राज्य को अब तक पांचवें वित्त आयोग का गठन कर लेना चाहिए था लेकिन कई ऐसे राज्य हैं अभी वो तीसरे और चौथे स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी गठन नहीं किए यानी अगर 1 अप्रैल उन्नीस को सभी राज्य पांच फाइनेंस कमीशन का गठन अभी तक कर सकते थे लेकिन कई ने अभी तक दूसरा और तीसरा भी गठित नहीं किया है मेरे प्यारे बच्चों ये बड़ी गंभीर ग्रिम सिचुएशन है ठीक है ना कि आ, स्टेट फाइनेंस कमीशन आंध्र प्रदेश में गठित किया जाए इसके लिए आंध्र प्रदेश में किसी पेटिशनर ने एक पेटिशन दायर की एक याचिका यानी किसी ने याचिका दायर की और तब आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश में कहा कि हाँ भाई, अब हम गठित करने जा रहे यानी याचिका दायर करने के बाद सरकारें स्टेट फाइनेंस कमीशन को गठित कर रही कितनी बड़ी चिंता की बात है यह पॉइंट आप यहां पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों ठीक है ना यानी यहां यह कहा गया कई राज्य तब तक इस संवैधानिक आदेश का पालन नहीं करते हैं, जब तक अदालतों की तरफ से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें पुष्ट ना किया जाए धक्का ना दिया जाए तो अब यहां पर वह प्रश्न आ जाएगा कौन सा संवैधानिक नैतिकता से क्या आसर है कोई भी संवैधानिक नैतिकता का अनुसरण किस प्रकार कर सकता है तो कोई में मैंने आपको पहले भी बताया था सेंटर भी आएगा स्टेट भी आएगा लोकल बॉडीज भी आएंगे इसके साथ साथ हम सब यानी नागरिक भी आएंगे तो संवैधानिक नैतिकता का अनुसरण एक स्टेट कैसे कर सकता है जब वह स्टेट स्टेट फाइनेंस कमीशन का समयबद्ध संविधान द्वारा दी गई विधि के अनुसार उसका गठन करेगा तो एक पॉइंट उस क्वेश्चन के अंदर भी आप इसको इंटरलिंक कर सकते हो रहा है कि नहीं हो रहा सौ परसेंट इंटरलिंक अब आप सोचिए किस हिसाब से आपको पढ़ना है बच्चों और किस हिसाब से चलना है ध्यान रखिएगा दूसरा पॉइंट आता है स्टेट फाइनेंस कमीशन के सामने सबसे बड़ी संसाधन की कमी यानी इनके पास भी संसाधन नहीं है याद रखेगा कैसे है मैं जरा बताता हूं तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के साथ भी समस्या है कि बहुत से मतलब इनकी कोई इनका कोई ऑफिस ही नहीं इनका कोई ऑफिस ही नहीं यानी इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं जब ऑफिस नहीं है तो उसका मतलब है कि लोग कहां बैठेंगे कैसे कहां कंप्यूटर रखा जाएगा कहां काम होगा तो ये इनका तर्क होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है और जब इनसे राज्य कहता है कि भाई तुम रिपोर्ट तो दो तो ये राज्य से कहते हैं कि भाई लेट हो गया क्यों क्योंकि हमारे पास तो रिसोर्स ही नहीं है अब आप देखिए एक तरफ राज्य देरी से गठित कर रहे हैं और ऊपर से जब गठन हो भी जा रहा है तो इनकी समस्या इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एग्जाम्पल है एग्जाम्पल है हरियाणा के में चौथा राज्य वित्त आयोग को 30 अप्रैल 2011 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था लेकिन जब इनसे रिपोर्ट मांगी गई तो इन्होंने यानी कई बार समय मांगा और अंततः 30 जून 2014 को अपनी रिपोर्ट यानी 11 में रिपोर्ट इनको प्रस्तुत करना था 14 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और तर्क क्या था कि हमारे पास तो रिसोर्स नहीं है तो हम कहा कैसे काम करें ना तो मैन पावर है और ना ही फिजिकल सिस्टम हमारे पास यानी हमारे पास ना कोई ऑफिस है ना कुछ है तो इस प्रकार की समस्या है तीसरी समस्या अब आप सोचिए क्या एम लक्ष्मीकांत में आपको मिलेगा सोचिए आप क्या किसी भी बुक में नहीं मिलेगा इसीलिए कहते हैं ये एडिटोरियल वन ऑफ द बेस्ट एडिटोरियल्स होते हैं जो आपको करने चाहिए अब आगे बढ़ते हैं एबसेंस ऑफ डेटा डेटा ही नहीं यानी जैसे हम पढ़ते हैं ना डेटा लेट गवर्नेंस नीति आयोग भी कहता है डेटा लेट गवर्नेंस नीति आयोग ने अपनी एट द रेट सेवेंटी फाइव न्यू इंडिया स्ट्रेटजी में लिखा है डेटा बेस्ड गवर्नेंस तो डेटा अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन के पास होगा कि किस लोकल बॉडीज चाहे सेंटर की मतलब चाहे अर्बन चाहे रूरल तो उन अगर सबका डेटा होगा कि पंचायतों के पास यानी किस किस चीज की समस्या है अर्बन लोकल बॉडीज के पास किस किस चीज की समस्या तभी तो वो उस पर काम कर पाएगी डेटा ही नहीं तो काम क्या करेंगे तीसरा पॉइंट ये है मेरे प्यारे बच्चों चौथा चौथा और भी ग्रीम है राज्य स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पर ध्यान ही नहीं देते ठीक है तुमने रिपोर्ट सौंप दी राज्य को स्टेट फाइनेंस कमीशन ने रिपोर्ट सौंप दी बता दिया भैया कि टैक्स को कैसे बांटिए किसमें आप अपने बीच और लोकल बॉडीज के बीच बता दिया कि भाई लोकल बॉडीज को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए केंद्र जो राज्य होते हैं उस पर ध्यान नहीं दे नहीं देते हैं याद रखिएगा ठीक है ना जबकि जबकि याद रखिएगा स्टेट फाइनेंस कमीशन आप सोचिए कि संवैधानिकता जो संवैधानिक समय, नैतिकता वो यहां क्यों आवश्यक है यानी जब स्टेट फाइनेंस कमीशन कोई रिपोर्ट स्टेट फाइनेंस कमीशन कोई रिपोर्ट सौंप दे किसको सौंप दे यानी राज्य सरकार को तो राज्य सरकार को उसको विधानमंडल के पटल पर रखना अनिवार्य है उसको करना ही पड़ेगा यह उसकी संवैधानिक बाध्यता है उसके बावजूद भी नहीं रखा जाता है अब आप देखिए यानी संविधान को हम कितना अनुपालित करते हैं अनुच्छेद दो सौ सॉरी आई फोर के द्वारा बाध्य है लेकिन तब भी याद याद रखिए विधायिका के समक्ष यह जो इनकी रिपोर्ट होती है उसको रखने में बहुत से राज्य असफल रहे हैं या अगर रखे भी हैं तो रिपोर्ट सौंपी गई है आज रखा गया है दो साल के बाद तो ये चार समस्याएं स्टेट फाइनेंस कमीशन के सामने हैं मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र में सेकंड स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट रखी गई और गुजरात की थर्ड स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट यानी फाइनेंस कमीशन ने जारी कर दी बट इस पर इस पर ना तो विचार किया गया और ना लंबे समय तक राज्य विधायिका के सामने रखा गया ये एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए और जो अगर हम केरल का एग्जाम्पल लें जहां पर लोकल बॉडी सबसे अच्छा काम कर रही है तो स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी जो सेकंड स्टेट फाइनेंस कमीशन था वह अपनी रिपोर्ट सौंपता है और केरल ऐसा राज्य विधानमंडल के सामने उसे रखने में तो तीन साल का समय लेते यानी उसकी रिपोर्ट आज प्रस्तुत की गई तो वन टू थ्री थ्री ईयर के बाद विधायिका के सामने रखी गई अब बताइए तीन साल के बाद उस बीच लोकल बॉडीज का काम कैसे चलेगा आप यहां से देख सकते तो ये सारी बातें पांचवा समस्या क्या है कि राज्य स्टेट फाइनेंस कमीशन जो बेसिक बातें कह रही उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं याद रखिएगा यानी जैसे यहां बताया गया केंद्र सरकार केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा की गई सभी सिफारिशों को लगभग लगभग सभी सिफारिशों को मान लेता है लेकिन राज्य स्टेट फाइनेंस कमीशन के जो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव होते हैं उसको भी नहीं मानते हैं याद रखिएगा ठीक है तो ये सारी बातें हैं तो अब आवश्यकता किस बात की है कि सिंपल सबसे बड़ी बात है जो राज्य हैं वह स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स को समयबद्ध प्रक्रिया से विधानमंडल के सामने रखें और उसके बाद वह उनके राज्य विधानमंडल द्वारा सुझाई गई अनुशंसाओं को स्वीकार करें लोकल बॉडीज को पंचायती राज सिस्टम को यानी व्यापक वित्त प्रदान करें अगर वह ऐसा करते हैं तब जाकर के लोकल बॉडीज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगी और अन्य मुद्दों पर अच्छा काम करते हुए बेहतर गवर्नेंस का संचालन कर पाएंगी यही है बे फॉरवर्ड में कैसा लगा टॉपिक बड़ा था बट बहुत ज्यादा आईक्यूआईपी था तो मेरे पास भी ऑप्शन नहीं था अब आते हैं ट्रस्ट इज की टू मोर इफेक्टिव डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब देखिएगा यानी अधिक प्रभावी डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए विश्वास महत्वपूर्ण ये ट्रस्ट शब्द बड़ा महत्वपूर्ण यानी आप क्या पढ़ने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा तो मैं पहले बता दूं क्या पढ़ने जा रहे हैं फिर आईक्यूआईपी और क्वेश्चंस पे आएंगे यानी हम यहां पढ़ने जा रहे हैं कि भारत में डेटा यानी जो कॉन्टेक्स्ट है जो संदर्भ है जिसको ब्ले करके एडिटोरियल लिखा गया है कि भारत में डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है क्या है कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा की जो इंपॉर्टेंस है बहुत तेजी के साथ बढ़ी है और ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल फोर पॉइंट जीरो में इसकी इंपॉर्टेंस है भी ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा दे, की तो राइटर यही कहते हैं कि डेटा और ए पर अगर आप काम करते हैं अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा पर काम करते हैं तो वो डेटा वो उसका आउटकम तभी किसी भी देश के लिए किसी भी व्यवस्था के लिए होगा जबकि उस देश के लोग उस डेटा में उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विश्वास करते हैं यहां उन्होंने ट्रस्ट शब्द का इस्तेमाल किया कि लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं उस पर विश्वास हो यानी इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिज जन से जब हमारे नागरिकों को यह विश्वास होगा कि कोई खतरा नहीं ना तो उनकी प्राइवेसी को ना ही किसी अन्य प्रकार का उनको खतरा है यानी उनके अकाउंट तक गलत रूप से कोई नहीं पहुंच जाए तो इस प्रकार की चिंताओं को अगर आप दूर करते हैं तब जाकर के इसके फायदे हैं वो यहां पर यह बात करते हैं याद रखिएगा ठीक है ना अब इसके बाद आते हैं ये रिपोर्ट पढ़ते हैं फिर चलेंगे आईक्यूआईपी पे द नेस्ट कम रिपोर्ट अनलॉकिंग वैल्यू फ्रॉम डेटा एंड आई ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट काम की रिपोर्ट है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा अनलॉकिंग वैल्यू फ्रॉम डेटा यानी डेटा और ए का जो वैल्यू है उसको अनलॉक करना अभी वो लॉक है यानी उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना किसको डेटा को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो इसको आप याद रखिएगा तो की ये रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक पॉइंट याद करिएगा डॉलर 450 से 500 बिलियन भारत की जीडीपी में इन्हीं का योगदान होने वाला है किसका डेटा का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब जरा देखिए यानी क्या कर रहा है कि डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि में 2025 तक भारत की जीडीपी में साढ़े चार सौ से पांच सौ बिलियन जोड़ने की क्षमता अब देखिए इसका मतलब है कि अगर जीडीपी आपकी एक्स है एक्स है तो उस एक्स में आप डॉलर फोर फाइव जीरो से फाइव हंड्रेड बिलियन आप और प्लस कर लीजिए ठीक है ना इसको आप जितनी अभी उसमें ये प्लस कर लीजिए तो ये मैं प्लस क्यों कर रहा हूं याद रखिएगा ठीक है ना ये मैं प्लस क्यों कर, कर रहा हूं ये प्लस इसलिए कर रहा हूं यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था क्या क्वेश्चन पूछा था आइए सबसे पहले यानी हम आते हैं एसे की तरफ 2019 में और एसे आपसे क्या पूछा है बच्चों ध्यान रखिएगा कृत्रिम बुद्धि का उत्थान भविष्य में बेरोजगारी का खतरा अथवा पुनर्कौशल और उच्च कौशल के माध्यम से बेहतर रोजगार के सृजन का अवसर राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द थ्रेट ऑफ जॉबलेस फ्यूचर और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज थ्रू री एंड अपस्किलिंग तो आप देख सकते हैं कृत्रिम बुद्धि का उत्थान यानी जो नेस्कॉम की रिपोर्ट है क्या ये बता नहीं रही है कि कृत्रिम बुद्धि का उत्थान हो रहा है तभी तो हमारी जीडीपी में 2025 तक वो कह रहा है कि साढ़े चार सौ से 500 बिलियन डॉलर बढ़ जाएगा तो भविष्य में बेरोजगारी का खतरा है अगर हम हम जीडीपी बढ़ रही तो सामान्यता बेरोजगारी का खतरा नहीं देखते लेकिन क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उच्च तकनीकी है ऐसे में उसमें उच्च कौशल के लोग होने चाहिए और अगर उच्च कौशल हमें हमारे पास होंगे तो हम वहां पर बेहतर रोजगार सृजित कर पाएंगे यह आपको दिखाना है तो यानी कृत्रिम बुद्धि का उत्थान दिखाने के लिए नेक्स्ट काम की रिपोर्ट आपको लगानी है भविष्य में बेरोजगारी का खतरा होगा नहीं होगा वो आगे मैं डिस्कस करता चलूंगा तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जीएस थ्री साइंस एंड टेक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव क्या है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तो ऑबियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां से प्रश्न पूछेगा लेकिन ये इकोनॉमिक्स में भी हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप लेके आइएगा रिसोर्स के मोबिलाइजेशन में यानी संसाधनों के प्रबंधन में हमेशा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा चूंकि इंडस्ट्रियल फोर इसी पर डिपेंड करता है तो ऐसे में हम इंडस्ट्रियल सिस्टम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो ये टॉपिक जो साइंस और इकोनॉमिक्स का मिश्रण है हालांकि लिख दिया है लेकिन ये साइंस और इकोनॉमिक्स का मिश्रण है इसको आप ध्यान में रखिएगा मॉडल क्वेश्चन आता है डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैव द पोटेंशियल टू शो प्रॉमिसिंग इंक्रीमेंट इन इंडिया जीडीपी यानी डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की जीडीपी में आशाजनक वृद्धि दिखाने की क्षमता है अच्छी बात है बिल्कुल है क्षमता है आप लिखेंगे हाँ, की रिपोर्ट का जिक्र कर दीजिएगा हाँ। और उसके बाद उनकी रिपोर्ट बता दीजिएगा हाँ भाई पांच सौ बिलियन डॉलर बढ़ने वाली एस एस हाउ नेशनल स्ट्रेटजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एन एस ए आई पेपर बाई नीति आयोग हेल्प इन इन कैशिंग दिस अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया यानी कि चर्चा करें कि नीति आयोग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय रणनीति जो बनाई गई है वह भारत के लिए इस अवसर को भुनाने में कैसे मदद करती यानी जीडीपी जो बढ़ा रही है अकॉर्डिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो तो जो नीति आयोग ने राष्ट्रीय रणनीति बनाई है नेशनल स्ट्रेटजी बनाई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वह कैसे यानी इस स्थिति को और मजबूत करती यानी नीति आयोग ने अपने विजन में क्या बातें कही हैं और किस सिस्टम को डेवलप करने की बात की है जिसके आधार पर जिसके बेस पर हम इंडिया की जीडीपी को और बड़ा कर सकते तो आइए पढ़ते हैं मजेदार टॉपिक एक यानी पहला वाला जो क्वेश्चन का पार्ट है वो एडिटोरियल का है दूसरा पार्ट मेरा टोटल इंटरवेंशन यानी आपको मजा आएगा लगभग कि कितने 200 पेज से भी ज्यादा में है वह तो, जो है स्ट्रेटजी क्या रणनीति और उसको एकदम छोटे में कर दिया गया है तो आपको मजा आएगा तो कॉन्टेक्स्ट हो गया है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों राइटर क्या कह रहे हैं वो आपको पता लग गया NASCAM की रिपोर्ट आपको पता चल गई ठीक है ना इसके साथ साथ एक और यानी रैंकिंग है उस रिपोर्ट के साथ साथ एक रैंकिंग भी आप लोगों को पढ़ना है रैंकिंग क्या है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ह्यूमन ह्यूमन सेंटर्ड कृत्रिम बुद्धि की ग्लोबल और नेशनल ए आई बाई रैंकिंग न, नाम याद रखिएगा इसका नाम यही है कंफ्यूज मत हुएगा ठीक है ना ग्लोबल एंड नेशनल ए आई बाई रैंकिंग कौन निकालता है ठीक है।, है ना तो इसने क्या कहा है? में, 2000, गजब का है, ये वही स्वप्न है जो भारत को सोने नहीं दे अच्छी बात है इंडिया इस रैंकिंग में नंबर एक पर है तो अच्छी बात है सोने नहीं दे कि हम कैसे इसको और यूटिलाइज करें नींद तब भी नहीं आती जब समस्या होती और नींद तब भी नहीं आती जब संभावनाएं बड़ी दिखाई पड़ती हैं आदमी को लगता है उसको कैप्चर करना उसको पकड़ लेना तो अब आप देखिए इसमें कहा गया है कि अगर टैलेंट कंसंट्रेशन की दृष्टि से देखें यानी इस इंडेक्स में टैलेंट कंसंट्रेशन यानी प्रतिभा एकाग्रता यानी टैलेंट की बात करें कि किस देश में सबसे ज्यादा टैलेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के तो हिंदुस्तान उसमें नंबर एक पे था और यानी टैलेंट के मामले में अमेरिका ब्रिटेन जर्मनी और चीन से ज्यादा यानी भारत में टैलेंट है यानी भारत का यूथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल तैयार है यह रिपोर्ट कहती है तो ये दोनों बातें हमें दिखाती हैं कि एक तो हमारी जीडीपी में बढ़ोतरी की उम्मीद है दूसरा हमारा जो पॉपुलेशन डिबिडेंड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार बैठा है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा स्टैनफोर्ड रैंकिंग कह रही तो दो चीजें हैं तो ऑब्वियस है अब हमें पढ़ना है कि भाई नीति आयोग कैसे अपनी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल जो लेकर के आया है 2018 में तो वह किस प्रकार से यानी उसमें संभावना क्या है किन किन बातों का जिक्र है जिसके आधार पर हम अनुमान लगा सकेंगे कि वह यानी भारत की जो ये संभावना है उसका दोहन करने को तैयार बैठा हुआ तो ये आपको ध्यान में रखना और एक चीज और जो नए बच्चे होंगे उनको आप आप सबको ये सिखाना है क्या सिखाना है आपको ये सिखाना है कि 2000 आपको ये सिखाना है कि 2000 आ, 19 में जो क्वेश्चन आया था ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो ऐसे आया था क्यों आया था चूंकि अट्ठारह में नीति आयोग ने पॉलिसी लॉन्च की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो इसका मतलब अगर आप बारीक निगाह बनाए रखते हैं कि साल में क्या क्या, क्या कब कहा कौन चीज घटित हो रही है तो फिर वो अगले साल आप डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पा सकते हैं के। तो ये सारी बातें हैं देख सकते हैं तो समय की मांग क्या है मेरे प्यारे बच्चों यानी समय की मांग यह है कि भारत सरकार काम करे प्राइवेसी पर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा के द्वारा किसी की प्राइवेसी ब्रीच ना हो उसका उल्लंघन ना हो इसके अलावा अगर कोई डेटा है तो वह सुरक्षित रहे ऐसा ना हो कि मेरा डेटा किसी एक कंपनी के पास है उसका मिसयूज हो रहा है अगर आपको पता हो तो बैंक में किसी काम के लिए एक के पास आप डेटा भेजिए पचासों बैंक के फोन आने लगते हैं तो वो नहीं होना चाहिए कल्चरल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए यानी सांस्कृतिक स्वीकृति होनी चाहिए इसका मतलब है कि समाज में सभी धर्म जाति लिंग ये सब लोग इसको स्वीकार करें तब जाकर के यानी एक सामाजिक एस्पेक्ट्स प्राप्त करेगा इसके अलावा इसका एथिकल रेगुलेशन होना चाहिए नैतिक विनियमन होना चाहिए यानी जो सही है आपको उसका संरक्षण हमेशा करना चाहिए तो ये चार बातें आप याद रख लीजिएगा यानी ये जो संभावनाएं हैं उसके लिए चार चीजें महत्वपूर्ण ऐसा एडिटोरियल राइटर कहते हैं ठीक है ना अब आता है भारत सरकार क्या कर रही है याद रखिएगा तो ऑबियस है भारत सरकार पहचानती है कि ए प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने क्या किया कृत्रिम बुद्धि पर अपना एक पेपर पब्लिश किया है और जिसका नाम है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय नीति आयोग मेरे प्यारे बच्चों जून 2018 में यह स्ट्रेटजी हमारे सामने आई थी जिसका टाइटल है रिस्पॉन्सिबिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जवाब दे रिस्पॉन्सिबिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैश टैग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए आई फॉर ऑल तो इसको आप याद रखिएगा नीति आयोग का ये आपका पूरा का पूरा रिपोर्ट कराने जा रहा हूं तो आपको मदद मिल जाएगी यानी यहां पर बहुत कुछ चीजें आप सीख सकेंगे नेशनल स्ट्रेटी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां पर आप देख सकते हैं इसको पूरा एक एक चीज आपको बताना पड़ेगा ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर समरी बता दूंगा तो आपका काम नहीं चलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस चीज पर यह काम कर रहा है यहां से देख सकते हैं यानी यह जो रणनीति है जो राष्ट्रीय रणनीति है किस किस चीज को कि एआई को जल्दी से जल्दी अपनाया जाए संपूर्ण देश में पूरी व्यवस्था में इस पर रिसर्च किया जाए दूसरी चीज कहा गया इसके बाद देखिए क्या पुनर्कौल को बढ़ावा देना मतलब यही है जो प्रमोट रीस्किलिंग यही तो अब देखिए 2018 में यह बंदा कह रहा प्रमोट रीस्किलिंग इधर देखिएगा यानी कि लोग ए को एडॉप्ट करें रिसर्च को इसमें डेवलप कराया जाए और रीस्किलिंग को प्रमोट किया जाए और इसी रीस्किलिंग को प्रमोट करने को यूपीएससी ने पकड़ लिया दो में छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी तब जाकर के आप रैंक लगा पाएंगे ये देखिए क्या करा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज थ्रू रीस्किलिंग यानी आज हमारे पास कुछ कौशल है लेकिन अब वो समय के अनुकूल नहीं रह गया तो आपको री स्किल करेंगे मान लीजिए आप कंप्यूटर पर अच्छा काम कर लेते हैं लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर पर आपको काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको रीस्किल किया जाएगा और मान लीजिए किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर पर भी काम करने का अनुभव है तो समय के साथ इसको अपस्किल किया जाएगा जैसे आप अपना मोबाइल फोन वगैरह जब यूज करते होंगे तो उसमें आता होगा ना अपडेट हर चीज का चाहे आप फोटो खींचने वाला हो चाहे कोई सा भी हो कोई सा भी ऐप हो तो आता ना अपडेट तो आप अपडेट पर जाते हैं तभी वो और अच्छे से काम करता है और जब तक आप अपडेट पर नहीं जाते हैं, बार बार पूछता रहता है अपडेट करिए अपडेट करिए अपडेट करिए तो यहां जो मैं कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज थ्रू री स्किलिंग अप स्किलिंग और यही टारगेट था आर्टिफिशियल और किसका यानी नीति आयोग के डॉक्यूमेंट का दो हजार उन्नीस में यूपीएससी वाले ने दाब दिया यही क्वेश्चन लगा दिया तो आप बारीकी से लगे रहेंगे तो बहुत मजा आएगा और याद रखें प्रीलिम्स जैसे पास करें मुख्य परीक्षा में आकर के चिपक जाए जून दो में यह लॉन्च हुआ तो देख सकते हैं पुनर्कौशल और जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिल ए होना चाहिए याद रखिएगा रिस्पॉन्सिबिल का मतलब होना चाहिए कि भाई किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए तो यह इन उद्देश्यों के साथ याद रखिएगा यह या प्रारंभ हुआ और इसका फोकस था यानी यह या नीति आगे बढ़ी और पांच क्षेत्रों को फोकस करने पर विशेष ध्यान दिया गया यानी हेल्थ केयर पर यानी स्वास्थ्य सुविधा पर कृषि में शिक्षा में इसके अलावा इस स्मार्ट सिटी और आधारभूत संरचना के विकास में और ट्रांसपोर्टेशन में इन पांचों क्षेत्रों में कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमें बेहतर काम करने की आवश्यकता है और वो भी इसलिए कहा गया चूंकि ये सभी क्षेत्र यानी जीडीपी को बढ़ाने में भी यानी जो हमारे हमारी जो आबादी है उसको सुविधाएं तो पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे लेकिन इसके साथ साथ जीडीपी को भी जनरेट करने में महत्वपूर्ण होंगे तो यहां पर याद रखेगा यानी आपको मैं बता रहा हूं क्या कंफ्यूज नहीं होना है यानी नीति आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के क्या अप्रोच रखता है वो अप्रोच आपके सामने मैंने बता दिया एक पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया होगा याद रखेगा अब इसके बाद इतना ही नहीं ये तो क्या हो गया यानी वो बात करता है कि इन क्षेत्रों पर हमें काम करने की जरूरत है लेकिन वो उन क्षेत्रों की भी पहचान करता यहां लिखा हुआ है वह उन क्षेत्रों की भी पहचान करता है जहां पर चुनौतियां हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के चुनौतियां हैं तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, जहां पर चुनौतियां हैं कौन कौन सी बाधाएं यानी आज हिंदुस्तान के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम के सामने कौन कौन सी बाधाएं मेरे प्यारे बच्चों पहली बाधा रिसर्च है आपको अच्छे से पता है हिंदुस्तान में रिसर्च पर पैसा खर्चा ही नहीं होता तो वहां पर भी यही कहा गया मेरे प्यारे बच्चों रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च नहीं है और एप्लीकेशन यानी उसका बेहतर एप्लीकेशन कैसे किया जाए हेल्थ केयर में एग्रीकल्चर में एजुकेशन में इस पर काम हो नहीं पा रहा क्योंकि रिसर्च ही नहीं हो पा रहा तो पहली समस्या यह है इसके अलावा हमारे पास यानी डेटा इकोसिस्टम अच्छा नहीं है यानी हमारे पास डेटा इकोसिस्टम अच्छा नहीं है डेटा इकोसिस्टम की मतलब डेटा को कहाँ रखा जाए उसको कैसे प्रोसेस किया जाए ये सब सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है डेटा प्रोडक्शन कानून जब बनेगा तब स्थिति को यानी थोड़ा और मजबूत पाया जाएगा लेकिन अभी तक तो बना नहीं इसके अलावा सबसे बड़ी बात तीसरी कि जो रिसोर्स कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है एआई को अपनाने में पैसा बहुत लगता है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक वही अपना पाएगा जहां पर बहुत ज्यादा यानी इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा और दूसरी क्या है लो अवेयरनेस फॉर अब देखिए ये दोनों विरोधाभास है है एक तरफ कह रहा है कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कोई भी जो एप्लीकेशन उसको बनाया जाता है उसमें खर्चा बहुत लगता है चलो मान लीजिए हमने पैसा लगाया और खर्चा हुआ और वो एप्लीकेशन बन गया लेकिन उस एप्लीकेशन का लोग यूज ही नहीं करते उस एप्लीकेशन को लोग यूज नहीं करते तो जब यूज नहीं करेंगे तो फिर खर्चा कहां से निकलेगा तो ये समस्या कि चलो रिसर्च हो भी गया लेकिन लोग अवेयर ही नहीं है तो उनको अवेयर भी करना पड़ेगा चौथा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ये तो हमेशा ही रहेगा जब तक एक अच्छा डेटा कानून हमारे पास नहीं आ गया तब तक ये समस्या रहेगी और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों यानी क्या है एक कोलेबोरेटिव अप्रोच नहीं ठीक है ना ए आई को अपनाने में और लागू करने में एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए केंद्र राज्य प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो एक हमारे पास कोलेबोरेटिव कोई अप्रोच है मुझे बताइए कि आपने कभी ऐसी किसी संस्था का नाम सुना किसी भी ऐसी संस्था का नाम सुना आपने जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो भी एप्लीकेशंस डेवलप हो रहे हैं उनको कैसे नागरिक लागू करें यानी कि सभी नहीं कुछ तो जो हाईली स्किल होते हैं बहुत पढ़े लिखे होते हैं तो और इकोनॉमिकली भी साउंड होते हैं वो तो यूज कर लेते हैं लेकिन बाकी के सब लोग तो ऐसा कोई आपने एफर्ट देखा जहां पर यानी कि पूरे देश के शहरों में कॉन्फ्रेंस हो रही है समझौता सॉरी सम्मेलन हो रहे हैं बातचीत हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है इसके कौन कौन से एप्लीकेशन आए हैं इस एप्लीकेशन को एग्रीकल्चर में यूज करोगे तो ये हो जाएगा इस एप्लीकेशन को हेल्थ केयर सेक्टर में यूज करोगे तो ये हो जाएगा इसको ट्रांसपोर्टेशन में यूज करोगे तो ये हो जाएगा।, कर हो, हो जाएगा ऐसा आया नहीं आया ना वही चीज यहां पर कह रहे हैं कि कोलेबोरेटिव अप्रोच नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया यानी सबसे पहले कौन सी संभावनाएं हैं कौन सा क्षेत्र है फिर कौन सी बाधाएं हैं सारे पॉइंट आपको बता दिया गया ध्यान रखेगा ठीक है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उसमें आगे कहा गया है विजन में कि अगर हम समावेशी विकास चाहते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें अपनाना ही पड़ेगा अरे भाई हमने कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ाया था कि एक एग्रीकल्चरल यानी एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए एक कृषि क्षेत्र के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे महत्वपूर्ण है सोचिए बिल्कुल महत्वपूर्ण अरे भाई मौसम का अनुमान अगर पहले लग गया तो ड्रोन के द्वारा हमने जहां जितना खाद डालना था उतना ही डाला तो यानी बहुत सी चीजें ड्रोन के द्वारा हमें पता लग जाना कि कहां कहां पर कीट, जो कीट होते हैं यानी उन्होंने हमला कर दिया खरपतवार कहां उग रहे हैं इस प्रकार की चीजें ध्यान रखेगा तो हमें समावेशी तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ ज्यादा होगी अब उस पर जो डिपेंडेंट पचास परसेंट से आबादी उसकी इनकम और बढ़ेगी तो ये सारी बातें यहां पर कही गई हैं याद रखिएगा तो बस ये कहा गया यानी समावेशी विकास के लिए हमको इसको अपनाना ही होगा और ये कहा कि इसके लिए हमें रिसर्च करने की आवश्यकता है और रिसर्च करने के लिए यानी उन्होंने किसने नीति आयोग ने दो स्तरीय संरचना का प्रस्ताव दिया बड़ा गजब है यानी अभी हमने पढ़ा कि रिसर्च की कमी है किस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो इस यानी स्ट्रेटजी में दिस् स्तरीय क्या है दो स्तरीय मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा टू टायर्ड स्ट्रक्चर दु स्तरीय संरचना भी आपके सामने रखी है और वो पहला है कोर यानी सेंटर ऑफ रिसर्च एक्सेलेंस यानी एक ऐसा सेंटर एक केंद्र बनाया जाएगा जैसे आप किसी सेंटर पर मेंस का एग्जाम देने जाते हैं ना वैसे ये होगा सेंटर कोर सेंटर ऑफ रिसर्च एक्सेलेंस और दूसरा होगा आईसीटीआई इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल एआई यानी यहां पर क्या किया जाएगा रिसर्च पर काम किया जाएगा और यहां जो रिसर्च से माल तैयार होगा उसके एप्लीकेशन को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए इस पर काम होगा इसका मतलब उसने केवल भाषण नहीं दिया है यह बताया कि रिसर्च करो कोर में और उसके बाद जब तैयार हो जाए तो आईसीटी एआई एप्लीकेशन की सारी व्यवस्था सुनिश्चित करे मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद कहा गया कि चलो इन सब पद्धतियों से रिसर्च भी किया गया एप्लीकेशन भी किया गया लेकिन आगे क्या करने की आवश्यकता कहा गया भाई आगे ए आई बेस्ड स्टार्टअप को लाने का इकोसिस्टम डेवलप करो यानी सरकार इस प्रकार का इकोसिस्टम डेवलप करे कि ढेर सारे स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो मेरे प्यारे बच्चों यह यहां पर कहा गया तो कितनी अच्छी बात है बाधाएं हाँ थी बाधाओं हाँ को दूर करने के लिए टू टायर सिस्टम डेवलप किया गया जो आपके सामने है। फिर जो एप्लीकेशन भी बन गया रिसर्च भी हो रहा है तो ऐसे में अगला कदम स्टार्टअप आना चाहिए ऐसा नीति आयोग के विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा ठीक है और फिर नीति आयोग कहता है कि अगर हम ए को इकोनॉमी के उन पांच सेक्टर में गहरे स्तर पर अपना लेते हैं तो दो पैंतीस तक जो हमारा जीबीए है अभी उसमें पंद्रह परसेंट की वृद्धि हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं कितना गजब का यानी हमारा जीबीए वृद्धि हो जाएगी और जीबीए वृद्धि होगी तो हम क्या करेंगे ऑब्वियस है रोजगार सृजन पर भी अच्छा काम करेंगे रोजगार को रीस्किल अप स्किल करने पर भी काम करेंगे ये रहा टॉपिक कैसा रहा सोचिए उतना बड़ा कंटेंट पांच स्लाइड में खत्म ये होता है स्मार्ट कंटेंट जिस पर आपको अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है ये होता है स्मार्ट कंटेंट अब आगे बढ़ते हैं द रोल ऑफ द चाइना टेस्ट इन इंडियाज ग्रांड स्ट्रेटजी भारत की महारणनीति में चीन परीक्षण की भूमिका तो ये आई में यहां से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या एक टर्म सीख लीजिए आज के बाद लिखिएगा चाइना टेस्ट आप लिखिए कुछ विचारक कुछ राजनीतिक चिंतक ऐसे हैं कुछ राजनीतिक चिंतक याद रखिएगा अब ये राजनीतिक चिंतक ही है क्या नाम है जैकब साहब एच जैकब अब ये देखिए

ज़्यादा करीब आ रहे हैं तो यह ध्यान में रखा जाए कि अमेरिका के ज्यादा करीब आने पर चीन की क्या प्रतिक्रिया होगी पहला पॉइंट क्लियर, 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 यही वहां पर लिखा गया पढ़ लीजिएगा दूसरा पॉइंट आता है कि अगर उसी में यानी उसी में कहा गया है कि अगर पहले पॉइंट में ही अभी फिर सेकंड पे आएंगे यानी भारत अमेरिका के रिलेशन भारत अमेरिका के रिलेशन को मजबूत बनाते समय हमें चाइना टेस्ट करना है कि उसमें मतलब हम कहां तक अमेरिका के साथ जाए कि चाइना हमारे साथ एक बैलेंस के रूप में रहे क्योंकि इन्होंने कहा है हालांकि हिंदू है थोड़ा सा कभी कभी हल्का सा लगता है लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि जो एल पर डोकलम का विवाद हुआ या जो एल पर चाइना आक्रामक हुआ वो इसीलिए भारत अमेरिका के बहुत ज्यादा करीब जा रहा तो इन्होंने कहा चाइना टेस्ट करना चाहिए नंबर वन भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंध को बनाने में या रूस के साथ अपने संबंध को बनाने में किसी के साथ भी तो दो पॉइंट यहां पर उन्होंने ये जिक्र किया आगे सब लिखा हुआ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि भारत को शांत रहना चाहिए अगर पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट मतलब मस्त पॉइंट है तो, इन्होंने कहा भारत को शांत रहना चाहिए यदि अमेरिका और पाकिस्तान रिलेशन अच्छे हो रहे अब आपको भी लगेगा यार ये बंदा क्या कर अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होंगे तो इससे हमें क्या फायदा होगा तो नुकसान भारत ने विरोध भी किया जो एफ सिक्सटीन फाइटर जेट को फिर से यानी उसमें उसको उसकी मेंटेनेंस के लिए जो पैसा अमेरिका ने दिया पाकिस्तान को तो उस पर हमने आपत्ति भी जत, जताई मैंने आपको एडिटोरियल भी कराया था भारत को इस प्रकार से किसी के मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति कहां है वो प, वो अमेरिका का विषय तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इसलिए नहीं रोकना चाहिए बड़ा अच्छा तर्क लगा मुझे भी मतलब अमेरिका को कोई भी फॉरेन पॉलिसी में प्रेशर नहीं बनाना चाहिए जिससे अमेरिका और पाकिस्तान दूर जाए क्यों क्योंकि अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ रहेगा तो ऑब्वियस अमेरिका के माध्यम से हम पाकिस्तान पर ज्यादा दबाव बनाए रख सकते हैं और अपनी आंतरिक सुरक्षा को मेंटेन रख सकते लेकिन अगर पाकिस्तान पूरा का पूरा का चाइना की गोद में चला जाएगा तो फिर एक समस्या रहेगी तो ये अच्छा पॉइंट था तो कहा कि अमेरिका के संदर्भ में आपको चाइना का टेस्ट करना चाहिए यानी चाइना टेस्ट इस शब्द को याद रखेगा अच्छा शब्द इन्होंने दिया इसको आपको यूज करना चाइना टेस्ट और फिर कहा ऐसे ही दूसरा पॉइंट इन्होंने उठाया कि रूस के साथ अगर संबंध को देखें तो रूस के साथ संबंध में भारत को सतर्क रहना है सतर्क ये रहना है कि हमें रशिया के साथ एक मजबूत संबंध बनाना है लेकिन उसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि चाइना किसी भी प्रकार से रशिया के बहुत करीब यानी अगर आता है तो हिंदुस्तान को भी करीब ही बने रहना है उसके पीछे रीजन है चाइना अगर हम रशिया के साथ क्लोजली कनेक्ट नहीं होते हैं तो उसका नुकसान यह होगा कि सेंट्रल एशिया यानी एक तो हमारा एक मित्र है परंपरागत वो भी थोड़ा कमजोर होगा दूसरा क्या है यानी सेंट्रल एशिया मध्य एशिया में चाइना एकदम से वर्चस्व सालिया हो जाएगा यानी रूस और चाइना जितने करीब आएंगे सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया में उतना ही यानी चाइना मजबूत होगा क्यों क्योंकि सेंट्रल एशिया रूस के इंपैक्ट वाला क्षेत्र है चूंकि वो पहले कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था तो ये बात इन्होंने कही है यानी इनका कहना है कि चाइना टेस्ट आप किसी के साथ भी अपनी विदेश नीति का संचालन करें लेकिन चाइना को केंद्र में रख करके सोचें सिंपल सी बात है तो बस एक चाइना टेस्ट है और मैंने यहां लिखा हुआ इंडिया चाइना रिलेशन और जीएस वन आई आर भारत के पड़ोसी संबंध ऑप्शनल पी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखेगा तो बस यही आपको पढ़ने की जरूरत है यही सब यहां लिखा हुआ मैंने आपको करा दिया है अब आते हैं अगला टॉपिक है अंतिम एडिटोरियल है आज का सुप्रीम कोर्ट ऑन चैरिटी एंड कन्वर्जन मेरे प्यारे बच्चों यानी दान और धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब महात्मा गांधी के शब्दों में हो सकता है एडिटोरियल राइटर कह रहे यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था दान और धर्मांतरण पर यानी दान के माध्यम से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए अगर आप किसी को दान कर रहे हैं उसके बाद उसको आप एक एक्स धर्म से वाई धर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो यह अच्छी चीज नहीं है क्या है यह अच्छी चीज नहीं है तो अब आप कहेंगे सर यहां आपने जीएस लगा दिया हमने लगाया भाई क्योंकि जीएस में आएगा अब आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अगर आप जीएस फोर में लेके आते हैं एग्जामिनर कितना मस्त होगा पहले सुप्रीम कोर्ट का जो कथन था वाट इज द न्यूज मेरे प्यारे बच्चों यानी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी जबरन धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए याचिका में यही बात कही गई थी कि भाई जो जबरदस्ती धर्मांतरण हो रहा है उसको रोका जाए याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दान का उद्देश्य अगर आप किसी को दान दे रहे हैं तो इसका उद्देश्य धर्मांतरण नहीं होना चाहिए यानी दान और धर्मांतरण एक साथ नहीं चलने चाहिए हर दान या अच्छे काम का स्वागत उन्होंने कहा दान का हम वेलकम करते हैं लेकिन नियत पर भी विचार किया जाना चाहिए यानी नियत कि आपकी नियत क्या है भाई धर्मांतरण है क्या नियत आई होप आप समझ गए यानी नियत पर भी विचार करने की आवश्यकता तो यह रहा सुप्रीम कोर्ट का यह विषय जिस पर यानी याचिका याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा तो एडिटोरियल राइटर ने इसी पर एक एडिटोरियल लिख दिया कि ये जो दान और धर्मांतरण है अगर महात्मा गांधी के आदर्शों को अपनाया जाए तो शायद दान के साथ धर्मांतरण होगा ही नहीं दान तो केवल दान के लिए और सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण के लिए होगा तो हम पढ़ने जा रहे हैं महात्मा गांधी की प्रासंगिकता आप सोचिए अगर आप इस एडिटोरियल को पढ़ें और फिर 2018 में जो क्वेश्चन आया था पहले इतिहास वाले पे आ जाते हैं ये इतिहास में आया था जीएस वन में इतिहास में यूनिट टू में, में मेरे प्यारे बच्चों यानी इतिहास में यूनिट टू में कौन सा अठारहवीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान समय तक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एन सोन सोवान ठीक है कौन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व सोन सोवान तो आप देख सकते हैं वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डाली थ्रो लाइट ऑन दिग्निफिकेंस ऑफ थॉट ऑफ महात्मा गांधी लीजिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं कह रहा है वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डाली एडिटोरियल ही लिखा जा रहा है वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों का महत्व मैं नहीं लिख रहा हूं ना मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑन चैरिटी एंड कन्वर्जन द एंसर मे लीज इन वर्ड ऑफ महात्मा गांधी दान और धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब महात्मा गांधी के शब्दों में हो सकता है यानी अगर हम महात्मा गांधी के विचारों को अपनाएं तो दान के साथ धर्मांतरण की संकल्पना को हमें छोड़ना होगा और हम छोड़ देंगे तब हमारी नीयत पर सुप्रीम कोर्ट को शक करने की आवश्यकता भी नहीं पड़े मैं नहीं बोल ही रहा हूं एडिटोरियली कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के विचार से ही दान और धर्मांतरण का जो ये नकारात्मक संबंध है यह दूर किया जा सकता है आप देख सकते हैं यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा आगे भी पूछोगे कैसा तो नहीं 18 गा। गांधी की प्रासंगिकता तो हमेशा रहेगी वो कभी भी प्रश्न आ सकते हैं इनफैक्ट अभी यहां पूछा गया अभी हिस्ट्री में पूछा गया कल को कहा जाएगा मानवीय मूल्य महान नेता महान नेता के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा तो महान नेता के उपदेश यानी महान नेता कौन गांधी और गांधी के उपदेशों से शिक्षा मेरे प्यारे बच्चों अब आप देख लीजिए गांधी के उपदेशों से शिक्षा क्या है गांधी के उपदेशों से शिक्षा अब आप यहां पर चेक करें अपने आप को ठीक है तो ये हो गया आपका यानी महान नेताओं सुधारकों प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा अब 2014 में क्वेश्चन आया था जीवन में नैतिक आचरण के संदर्भ में आपको किस विख्यात व्यक्तित्व ने सर्वाधिक प्रेरणा दी है विच एमिनेंट पर्सनैलिटी हैज इंस्पायर्ड यू द मोस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिकल कंडक्ट इन लाइफ उसकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत कीजिए गिव द जिस्ट ऑफ हिज हर टीचिंग विशिष्ट उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए कि आप अपने नैतिक विकास के लिए उन शिक्षाओं को किस प्रकार लागू कर पाए हैं बताइए आप है, बताइए बताइए तो जीवन में नैतिक आचरण के संदर्भ में गांधी ठीक है उनकी शिक्षाएं और जो अभी पढ़ने जा रहे हैं विशिष्ट उदाहरण आप लिख दीजिए आपका यह या क्वेश्चन यानी यह या टॉपिक तो आप देख सकते हैं ठीक है हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो धर्मांतरण पर बात की इसको आप याद कर लीजिएगा धर्मांतरण पर क्योंकि सांप्रदायिकता और इन सब विषयों पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ठीक है ना तो अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन धर्म के बारे में धर्म के आ, धर्म का आचरण करने में क्या क्या हमारे सामने जो है आ, प्रावधान रखता है तो है अनुच्छेद पच्चीस से, 25 से 28, आप सबको पता है रट लीजिएगा उसी पच्चीस से अट्ठाइस का जिक्र किया गया है कि धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है मेरे प्यारे बच्चों पच्चीस से 28 तक में है बताने की आवश्यकता नहीं प्रचार भी आप अपने धर्म का कर सकते हैं इसके साथ साथ अपनी अंतरात्मा की आवाज से धर्म को मान सकते हैं यानी आप जब चाहें तो आप अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि एक्स नहीं वाई धर्म आपके लिए सुटेबुल है तो आप जा सकते हैं तो ये सारी बातें यहां पर कहीं कहीं याद रखिएगा, ठीक है ना लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात है ठीक है ना यानी जो सबसे बड़ी बात है कि हमें यानी अपना धर्म त्यागने का अधिकार है हमें अपना धर्म त्यागने का अधिकार है याद रखिएगा, ठीक है ना और उसके साथ साथ बॉम्बे कोर्ट ने कहा था राइट टू रिलीजन के बारे में धर्म के अधिकार के बारे में कि कोई व्यक्ति खोल करके कह सकता कि हमको किसी भी धर्म में विश्वास नहीं ये भी अधिकार यानी ये सारे अधिकार हैं आपके पास यानी धर्म आप चाहें तो कोई सा भी अपना सकते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसको जरा समझिएगा कि ठीक है आपके पास राइट है लेकिन जो लोग वो व्यक्तियों पर क्वेश्चन यहां नहीं उठाया गया जो लोग जबरन धर्मांतरण पर यानी जो लोग जबरन धर्मांतरण यानी दान एक क्या है एक कि तुम अगर ये कर दोगे तो तुमको हम इतनी मदद कर देंगे तो यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं सॉफ्ट जबरन धर्मांतरण सॉफ्ट है कि कुछ दिया जा रहा है और उसके साथ साथ आपसे कुछ लिया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि नियत पर विचार होना चाहिए यानी उन्होंने एक क्वेश्चन इस पर खड़ा कर दिया ध्यान रखेगा तो यहां पर यही बताया गया था कि राइट टू रिलीजन है कि आप अपने धर्म को जो है जब चाहे तो आप छोड़ सकते हैं उसमें उससे कोई आपको रोकेगा नहीं लेकिन क्या कोई कानून है जो धर्मांतरण के लिए बनाया गया हो या उसको रोकने के लिए तो है कि हमारे पास धर्मांतरण से संबंधित कोई कानून नहीं है उन्नीस में एक बार कोशिश हुई थी 1960 में भी कोशिश हुई थी आप पढ़ लीजिएगा तो ठीक है ना लेकिन इनमें किसी भी प्रकार से धर्मांतरण पर कानून बना ही नहीं यानी धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई व्यवस्था हमारे पास है नहीं तो अब कहा जाता है कि भाई अगर हम दान और धर्मांतरण को एक दूसरे से ना जोड़े तो हमें कोई कानून तो है नहीं तो हमें कौन प्रेरणा दे सकता तो कहा गया महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने कहा कि सभी धर्म समान रूप से सत्य हालांकि समान रूप से अपूर्ण है यानी सभी धर्म में कुछ ना कुछ कमियां और याद रखें उन्होंने कहा कि लोगों को दूसरों को परिवर्तित करने के बजाय अपने स्वयं के धर्म को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए बस यही स्टेटमेंट रखती है यही स्टेटमेंट यानी धर्मांतरण पर यही स्टेटमेंट गांधी जी का आपको लगाना उन्होंने कहा कि दूसरों को परिवर्तित करने के बजाय पहले अपने धर्म में जो कमियां हैं हालांकि समान रूप से अपूर्ण है सभी धर्म सत्य हैं लेकिन अपूर्ण है तो जो अपूर्णता है उस पर काम करिए दूसरों के धर्म को परिवर्तित करने पर विचार मत करिए यही एडिटोरियल राइटर के अनुसार गांधी जी के विचार हैं जो वर्तमान में धर्मांतरण की समस्या का समाधान है लिख दीजिएगा फिर उनका अगला स्टेटमेंट है हमारी अंतरतम प्रार्थना यह होनी चाहिए कि एक हिंदू एक बेहतर हिंदू एक मुस्लिम एक बेहतर मुस्लिम और एक ईसाई एक बेहतर ईसाई हो 1924 में यंग इंडिया पत्रिका में उन्होंने बात लिखी थी। तो ये उनके विचार हैं अगर इन विचारों को अपनाया जाएगा तो धर्मांतरण की समस्या नहीं रहेगी ध्यान रखेगा ठीक है और वो कहते हैं यदि मेरे पास शक्ति होती और मैं कानून बना पाता तो मुझे सभी धर्मांतरण बंद कर देना चाहिए यानी हरिजन में उन्नीस में लिखते हैं कि अगर कानून होता तो मैं धर्मांतरण को बंद करता क्यों कह रहे थे ऐसी बात सोचिए आप क्योंकि धर्मांतरण के मूल में उसके फंडामेंटल में में सांप्रदायिकता छुपी हुई है यह ध्यान धर्मांतरण के मूल ही सांप्रदायिकता है तो धर्मांतरण सांप्रदायिकता का एक फैक्टर है जीएस वन सोसायटी सांप्रदायिकता सिलेबस का पाठ है ध्यान रखिएगा ठीक है धर्मांतरण का अर्थ है किसी को एक धर्म विश्वास या मत से दूसरे धर्म में परिवर्तित करना या परिवर्तित करने का प्रयास करना राइटर यही कहते हैं कि यदि भारत के लोग गांधी जी की बातों को गंभीरता से लेने लगे हमारा देश धर्मांतरण से उत्पन्न सांप्रदायिक तनाव से काफी हद तक मुक्त हो सकता है मजा आया बच्चों मजा आया कि नहीं मजा आया ये आज मेरा मेवाड़ यूनिवर्सिटी में लेक्चर और यह मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आपको बस सिखाने के लिए कि इंसान स्किल हो जैसे अकबर पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन गजब का स्किल था तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूं देख सकते हैं लॉ इंस्टीट्यूट लॉ कॉलेज है मेवाड़ लॉ कॉलेज यूपी के कुछ प्रसिद्ध लॉ कॉलेज में से यानी टॉप टेन में एक कॉलेज है और यहां पर मुझे लॉ में जो जनरल इकोनॉमिक्स पढ़ना है उसके लेक्चर के लिए बुलाया गया था याद रखेगा यानी लॉ में जो इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता उसके लिए तो मेरा कहने का मतलब है और मैंने पढ़ाया बच्चों को बहुत मजा आया और मैंने ट्रस्ट करिएगा यानी कोई पीपीटी नहीं कंटेंट का यूज़ नहीं किया और फ्री हैंड लेक्चर व्हाइट बोर्ड पर लिख करके और बच्चों को काफ़ी पसंद आया चूँकि मैं सिलेबस के इर्द गिर्द ही रह रखता हूँ रहता हूं और उनका सिलेबस मैंने लगा दिया और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग में आई करता चला गया तो बस यही कहना चाह रहा हूँ जब लॉ के बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूँ तो आप सोचिएगा यानी जो बी एल एल बी की डिग्री है तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ यानी यूपीएससी तो मेरी मेरा मेरी मेरी मतलब समझ सकते मेरी अंतर आत्मा है तो उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो प्लीज़ मेहनत करते चलिए और ये आपको केवल मोटिवेट करने के लिए है ये केवल मोटिवेट करने के लिए जब आप अच्छा काम करते हैं मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ चांसलर साहब मतलब इतनी बड़ी पर्सनालिटी और अपने मतलब ऑलवेज मेरे साथ यानी कि वो बाहर तक आए मुझे गाड़ी तक लेके आए ये बहुत बड़ी बात होती है ये उनकी ग्रेटनेस है मैं अपने लिए कुछ नहीं करूं मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप में मेहनत है टैलेंट करने का म, मतलब आपका टैलेंट अच्छा है और आप में मेहनत करने का जुनून है जज्बा है तो आपको हर जगह पर सम्मान मिलेगा और हमेशा मिलेगा ध्यान रखिए तो प्लीज मेहनत करना बंद मत करिए आप यूपीएससी को ऐसे पढ़िए कि बाई चांस मेरी तरह अगर आप असफल हो जाएंगे बाई चांस मैं नहीं हूं ईश्वर करें आप सब सफल हो लेकिन बाई चांस असफल हो गए तो आपसे अच्छा टीचर इस दुनिया में कोई ना हो ऐसी तैयारी कीजिए और आने वाले समय में और कंपनी आएंगी एजुकेशन एकदम फिल्म इंडस्ट्री की तरह होने वाला है ध्यान रखिएगा मेरी बात नोट कर लीजिएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट आने वाले 10 से 20 वर्षों में फिल्म इंडस्ट्री की तरह होने वाला है ध्यान रखिएगा इसमें इतना ग्लैमर होगा इसमें इतना पैसा होगा इसमें इतना आपको इज्जत मिलेगी इज्जत तो अभी भी मिलती है लेकिन पैसा और ग्लैमर ये और भी बढ़ेगा आप ध्यान रखिएगा यानी क्या आप सोच सकते थे कि आज के दस साल पहले की जो टी मतलब जो अध्यापक हैं हम लोग हटा दीजिए हम लोग तभी कॉमन है लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं अध्यापक आप देखिए उनका उनकी इज्जत सेलिब्रिटी की तरह होती यानी जितना उनको लोग फॉलो करते हैं उतना फिल्म एक्टर्स को एक्ट्रेस को दो चार को ऊपर को छोड़ दिया जाए तो उतना फॉलो उन लोगों को भी नहीं कर रहे ये सब मीडिया सोशल मीडिया की देन है तो ऐसे में आप सब बस मेहनत करते चलिए बच्चे अब आते हैं अच्छा एक चीज और अनाउंसमेंट करना है कल से यानी आज तो नहीं कल से आप लोगों की थ्री प्लस वन क्लास और उसके साथ साथ स्पेशल क्लास भी शुरू है तो कल आप लोग मुझसे दोपहर में दो बजे स्पेशल क्लास में मिल रहे हैं ध्यान रखिएगा दो बजे स्पेशल क्लास अभी मैं लॉन्च करने जा रहा हूं प्रिलिम्स के लिए थ्री प्लस वन चर्चा का कुछ शुरू करने जा रहा हूं ध्यान रखिएगा तो और कल से आपका यहां पर भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी स्टॉप ग्रेडिंग टेरिस्ट एज गुड एंड बैड इंडिया इन यूएन यानी आप देख सकते हैं अमेरिका में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था टेरिस्ट को डिवाइड किया था आतंकवादी को गुड टेरिस्ट मतलब टेरर एंड बैड टेरर यानी अच्छा आतंकवादी और बुरा आतंकवादी आज भारत इतना ताकतवर हो गया कि यूनाइटेड नेशन में जा करके भारत की जो प्रतिनिधि है वहां पर इंडिया की परमानेंट जो वहां पर प्रतिनिधि हैं यूनाइटेड नेशन में रचिरा कंबोज उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठते हुए कि यानी विश्व को गुड टेरर और बैड टेरर में टेरर को डिवाइड करने की नीति को छोड़ देना चाहिए क्योंकि अपने सभी रूपों में बुरा ही है वो मानवता को नुकसान पहुंचाता है इसका मतलब अमेरिका के ऊपर छोटा सा कमेंट भी हो गया तो आतंकवाद पर कुछ भी लिखिएगा तो ये स्टेटमेंट आप बस ध्यान में रख लीजिएगा अब इसके क्वेश्चन है यानी आ, एक नई पक्षी मिली है अरुणाचल प्रदेश में जिसका नाम है ग्रे विलीड रेन बैबलर इसको आप रख लीजिएगा ग्रे बिलीड रेन बेबलर जो पाई जाती है प्राय म्यांमार में चाइना में और थाईलैंड में तो ये अभी पाई गई है कहां पर अरुणाचल कहां पर अरुणाचल प्रदेश में तो ऐसा कुछ आ जाए तो आप बस याद रखेगा इतना ही ठीक है फिर इसके बाद आता है जी ट्वेंटी में फाइनेंस के मुद्दों पर यानी वित्त के मुद्दों पर कल से बातचीत यानी आज से बातचीत शुरू हो गई जी ट्वेंटी में वित्तीय मुद्दों पर आज से बातचीत शुरू हो गई है और वहां पर जो फोकस होगा भारत ने यह फोकस किया है क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन पर यानी बहुत से मुद्दों पर बातचीत होगी लेकिन क्रिप्टो करेंसी को कैसे रेगुलेट किया जाए इस विषय पर बातचीत होगी तो इसका मतलब है क्रिप्टो करेंसी बहुत टाइम के बाद फिर से चर्चा में आया है तो इस पर एडिटोरियल भी आएंगे और हम लोग विस्तार से भी पढ़ेंगे और फ्यूचर में कोई ना कोई प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका यूज भी करेंगे मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में खोला गया यानी दूसरा ये एयरपोर्ट है बस इतना याद रखेगा क्लीन गंगा चेंजेस कोर्स टू कंजर्वेशन टूरिज्म लाइवलीहुड याद रखे तो 8 दिसंबर को एक मीटिंग हुई है बच्चों क्या हुई है 8 दिसंबर को एक मीटिंग हुई है और जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत और इस मीटिंग में ये कहा गया है कि जो क्लीन गंगा मिशन है उसको हम अर्थ गंगा के साथ और गहरे स्तर पर जोड़ेंगे अर्थ गंगा का मतलब हो गया कि गंगा का इकोनॉमिकली बेनिफिट लेना मेरे प्यारे बच्चों जैसे क्या करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग को गंगा के आसपास यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना है सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है ये सारे काम करना है यानी उसका आर्थिक उपयोग करना है तो अर्थ गंगा पर सतर्क रहिएगा 2023 वालों अर्थ गंगा इकोनॉमिक्स में आपसे पूछ सकता है तो इसीलिए मैंने अर्थ गंगा बता दिया है यानी 2019 में मोदी जी ने अर्थ गंगा शब्द का पहली बार प्रयोग किया और कब किया यानी जब पहली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक हो रही थी उन्होंने नमामि गंगे अभियान के द्वारा गंगा को साफ करने के लिए एक मॉडल पेश किया जिसका नाम था अर्थ गंगा मॉडल मेरे प्यारे बच्चों अर्थ गंगा मॉडल क्या है रट लीजिएगा लोगों को यानी जो भी गंगा नदी के आसपास के लोग हैं लोगों को नदी से जोड़ने के लिए अर्थशास्त्र का उपयोग करने की बात यानी यानी को गंगा का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो तब लोग और गहरे स्तर पर जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल के मामले के राज्यों में यह कहा गया है कि गंगा के किनारे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए ठीक है बच्चों तो ये रहा आज का सारा टॉपिक मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद कल स्पेशल क्लास और कल कल यानी आप सतर्क मैं कई बारी यूट्यूब पर आऊंगा आज अभी मैं पूरा प्रोग्राम बना लूं और आपको भेजने जा रहा हूं एक मिनट के लिए रुक जाइएगा बात करते करते ही मैं भेज दूं आप लोगों को आ, मैं क्या क्या भेजने जा रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप में एक बार आप लोग नोट कर लीजिए तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेजने जा रहा हूं बच्चों एक मिनट के लिए मैं रुक जाइएगा ठीक है एक मिनट हाँ तो मैं भेजने जा रहा हूं इकोनॉमिक्स की एनसीआरटी इकोनॉमिक्स के एनसीआरटी के तीन चैप्टर इसके साथ साथ यानी आज मॉडर्न इंडिया बी के अग्निहोत्री सर का तीन भेजने जा रहा हूं पहला चैप्टर होगा आधुनिक भारत की रूपरेखा जिस पर लिखा होगा चैप्टर नंबर चौबीस कंफ्यूज मत होगा एंशियंट मेडुअल मॉडर्न तीनों को काउंट किया जाएगा तब आएगा चौबीस तो चौबीस नंबर जिसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत की एक रूपरेखा पच्चीस मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय छब्बीस ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब तो तीन चैप्टर यानी एंशियंट इंडिया खत्म हो चुका है अब मॉडर्न इंडिया आपको भेज रहा हूं ध्यान रखिएगा और उसके बाद पॉलिटी के तीन चैप्टर और भेज रहा हूं जितना तक कल भेजा गया था और एनसीईआरटी के तीन चैप्टर अभी तक बन के मेरे पास आए नहीं है ठीक है ना कोशिश मैं करता हूं कि एनसीईआरटी का आज भेज दूं क्योंकि अभी तक बन के आए नहीं तो अगर आज नहीं आया किताब मेरे पास आ गई है ट्वेल्थ क्लास की एनसीआरटी के तीन चैप्टर आपको पढ़ने हैं जिनके पास बारहवीं क्लास की एनसीआरटी है तीन चैप्टर ना तो इलेवेंथ पढ़ना है ना तो नाइन्थ और टेंथ पढ़ना केवल और केवल बारहवीं क्लास के एनसीआरटी पढ़नी है अब आप सोचिए लगभग नौ चैप्टर हैं अगर हम एक हफ्ते में उनको निपटा गए इसी हफ्ते में आज मंडे है तो आप सोचिए कितनी बार रिवीजन हो जाएगा इसी महीने और फिर आप कितनी मस्त पोजीशन में आएंगे तो तीन चैप्टर आरंभिक पढ़ने हैं मेरे पास कंटेंट आया नहीं है मेरा स्टाफ खींच करके भेजता है ठीक है तो कोई बात नहीं मैं इतिहास वाला भेज रहा हूं तब तक आप उसको शुरू करिए मेहनत करिए कल इन्हीं पर दो बजे आप सबको आना है स्पेशल क्लास में टाइटल क्या होगा अभी मैं भेजूंगा कि जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं इन पर एक कंप्लीट डिस्कशन करूंगा बीके अग्निहोत्री सर का एंशियंट इंडिया कंप्लीट कि आपने जो पढ़ा तो चैप्टर नंबर वन टू थ्री फोर इन पर कैसे आपने फोकस किया दो बजे मिलेंगे इसके बाद रात को हम लोग मिलेंगे यानी यूपीएस चाहन लेट्स क्रैक गॉड एवरीवन खूब मेहनत करिए खूब मेहनत करिए स्मार्ट